वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की इस वीडियो में आपको MKT 501 मार्केटिंग मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 34 से 45 तक करवाए जाएंगे। तो आज का पहला लेसन है लेसन नंबर 34, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन एंड कॉरपोरेट इमेज। पब्लिसिटी क्या है? तो पब्लिसिटी जो है वो, इसका मतलब है कि एक्सटर्नल एंटिटी को यूज़ करना। एक्सटर्नल एंटिटी से मुराद वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते, जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं या मीडिया के लोग हैं, उनको यूज़ किया जाता है ताकि प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस लेवल जो है वो बढ़ाई जा सके पब्लिक के दरमियान, तो उसको हम कहते हैं पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी में होता क्या है, डेलिब्रेट अटेम्प्ट है ये, यानी जानबूझ के पब्लिक का परसेप्शन जो है वो मैनेज किया जाता है। पब्लिक का परसेप्शन क्या है? परसेप्शन का मतलब होता है कि क्या लोग सोचते हैं, यानी पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक का क्या ख्याल है प्रोडक्ट के बारे में। तो एक मार्केटिंग मैनेजर जो एक अच्छा पब्लिसिस्ट होता है, पब्लिसिस्ट क्या होता है, पब्लिसिस्ट वो शख्स होता है जो पब्लिसिटी को जनरेट करता है और मैनेज करता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, पब्लिक फिगर के लिए, और स्पेशली जो है ये एक सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं। तो पब्लिसिस्ट जो है वो यूजुअली जो है वो वर्क करते हैं लार्ज कंपनीज़ में और बहुत से क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। सो पब्लिसिटी का जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली हैंडलिंग करना है लोगों को, तो लोगों को हैंडलिंग करना है पब्लिसिटी का सब्जेक्ट। मार्केटिंग पर्सपेक्टिव के मुताबिक तो पब्लिसिटी जो है वो कंपोनेंट है प्रोमोशन का, प्रोमोशन मिक्स का एक कंपोनेंट में से एक हिस्सा है। बाकी जो प्रोमोशन मिक्स के कंपोनेंट है उसमें सेल्स प्रोमोशन है, एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है। तो इन तीनों की तरह ही पब्लिसिटी भी एक प्रोमोशन मिक्स का एक कंपोनेंट है। अब डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट कोई भी वो चीज़ जो ऑफर की जाती है मार्केट में और वो सेटिस्फाई करे नीड या वांट को। अब जाहिर बात है कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट ख़रीदता है तो वो अपनी कोई नीड या वांट को पूरा करना चाहता है, इसीलिए वो प्रोडक्ट ख़रीदता है। तो प्रोडक्ट जो है वो नीड या वांट जो है वो सेटिस्फाई करती है। सो पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी जो है वो पब्लिक रिलेशन का टूल है। और पब्लिक रिलेशन क्या है? पब्लिक रिलेशन जो है वो मैनेजमेंट है उन तमाम कम्युनिकेशन की जो क्लाइंट और सिलेक्टेड टारगेट ऑडियंस के दरमियान होती है। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन तो आपने अब तक पढ़ ली होगी कि ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो पब्लिसिटी प्लान जो है इज़ अ प्लान प्रोग्राम, पब्लिसिटी प्लान जो है वो एक प्लान प्रोग्राम होता है एम्ड एट ऑब्टेनिंग फेवरेबल मीडिया कवरेज। इसमें क्या होता है कि एक फेवरेबल किस्म की मीडिया कवरेज जो है वो हासिल की जाती है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर ऑर्गेनाइजेशन खुद के बारे में। सो बुनियादी क्या टूल हैं पब्लिसिस्ट के? तो पहला जो टूल है वो है प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज में क्या होता है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या किसी इंडिविजुअल की तरफ से, और ये प्रेस में जो है वो दिया जाता है ये ऑफिशियल स्टेटमेंट। दूसरा है टेलीफोन प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि टेलीफोन के थ्रू जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। इसमें जो है वो मीडिया जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से इन्फॉर्मेशन हासिल करता है टेलीफोन के थ्रू। इसके अलावा इन स्टूडियो मीडिया टूर्स, यानी कि मीडिया को इन्वाइट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा है मल्टी कंपोनेंट वीडियो न्यूज़ रिलीज, इसमें वीडियो जो है वो रिलीज़ की जाती है, वीडियो न्यूज़ जो है। न्यूज़ वायर स्टोरीज में हम जो है वो स्टोरीज जो है वो लिखते हैं प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन पब्लिसिस्ट जो है वो वेट नहीं कर सकता, कैन नॉट वेट अराउंड फॉर द न्यूज़। तो वो क्या करता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है ताकि जो है वो रिलीज़ की जा सके न्यूज़। वो कॉन्टेस्ट भी अरेंज करवाए जा सकते हैं, यानी कि कोई कॉम्पिटिशन जो होते हैं कॉन्टेस्ट, आर्ट एग्जीबिशंस कराई जाती हैं, नुमाइश लगवाई जाती है, इवेंट स्पॉन्सरशिप, कोई भी इवेंट आता है जैसे क्रिकेट का कोई इवेंट है PSL है जैसे, तो उसकी स्पॉन्सरशिप वगैरह करना, अरेंज अ स्पीच और टॉक, किसी सेलिब्रिटी या किसी इंटेलेक्चुअल को बुला के उससे स्पीच वगैरह दिलवाई जाए, और एनालिसिस करना या प्रेडिक्शन करना, तजिया वगैरह करना, जैसे प्रोग्राम्स आते हैं आपने देखा होगा एनालिसिस के प्रोग्राम या प्रेडिक्शन वगैरह करना आगे के बारे में। उसके अलावा कंडक्ट अ पोल या सर्वे, यानी कि ओपिनियन पोल, ये बाहर के कंट्रीज़ में जो है ज़्यादा ये जिस कॉमन है, यहाँ तो ये नहीं होता इतना। पब्लिक के ओपिनियन के लिए वहाँ पे ओपिनियन पोल होता है, लोगों से जो है वो ओपिनियन ली जाती है और सर्वे वगैरह करवाए जाते हैं। इशू और रिपोर्ट भी की जा सकती है, और स्टैंड लिया जाए किसी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे, कुछ सब्जेक्ट कंट्रोवर्शियल किस्म के होते हैं उस पे एक स्टैंड ले लिया जाए। अरेंज फॉर अ टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल अरेंज की जाए, यानी कि ये चीज़ दिखाई जाए कि प्रोडक्ट जो है वो टेस्टेड है। स्टेज और डिबेट, डिबेट को यानी कि डिबेट की ऑर्गेनाइज की जाए, डिबेट से मुराद बहस। ऑर्गेनाइज किए जाए टूर, बहुत से बिजनेसेस जो है वो टूर जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपने स्टाफ वगैरह के लिए। एंड इशू अकोमेंडेशन, यानी कि तारीफ जो है वो इशू की जाए। पब्लिसिटी के एडवांटेजेस ये हैं कि इसकी कॉस्ट भी कम होती है, उस पर क्रेडिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ये न्यूज़ की फॉर्म में होती है तो लोग जो है इस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं एज़ कम्पेयर टू एडवर्टाइजिंग।
डिसएडवांटेज ये होता है कि नेगलेक्ट भी किया जा सकता है, और दूसरा ये कि लैक ऑफ कंट्रोल ओवर रिलीजेस, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूज़ जो है वो ऐसी न्यूज़ भी आ जाती है किसी बिज़नेस के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, जो कंपनी की बदनामी का बाइस बनती है। अब मीडिया में वो न्यूज़ अगर किसी भी तरह पहुंच गई तो मीडिया वाले उस न्यूज़ को वायरल कर देते हैं और प्रूफ वो ख़ुद से बना लेते हैं, भले ही उसका उस न्यूज़ का कोई प्रूफ भी ना हो। तो पब्लिसिटी का ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जिससे कंपनी की बदनामी भी हो जाती है। इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिसिटी, सो द थ्योरी एनी प्रेस इज़ गुड प्रेस हैज़ बीन कॉइंड टू डिस्क्राइब सिचुएशन वेयर बैड बिहेवियर बाई पीपल इन्वॉल्व विद एन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रांड हैज़ एक्चुअली रिजल्टेड इन पॉजिटिव लेवल ड्यू टू फेम एंड प्रेस कवरेज अकर्ड बाई सच इवेंट। सो द पब्लिक रिलेशंस, अब पब्लिक रिलेशन क्या है? पब्लिक रिलेशन जो एक आर्ट है या साइंस है पब्लिक रिलेशनशिप बिल्डिंग करने की, किसके दरमियान? ऑर्गेनाइजेशन और की पब्लिक। तो जो एक रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन और की पब्लिक के दरमियान, उसको बिल्ड करने की ये आर्ट भी और साइंस भी दोनों भी है। और इसमें क्या इसका जो कंसर्न है वो है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट यानी कम्युनिकेशन को मैनेज करना इसका जो कंसर्न है पब्लिक रिलेशंस का। अब इसमें एक एग्जांपल दी गई है कि कॉरपोरेशन जो है वो पब्लिक मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन यूज़ करती है ताकि कन्वे कर सके इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोडक्ट के बारे में जो वो बनाती है या फिर वो सर्विस प्रोवाइड करती है अपने पोटेंशियल कस्टमर को, सपोर्ट करने के लिए डायरेक्ट सेल एफर्ट को। सो जब हम चीज़ें बनाते हैं तो हम दो चीज़ें कैटर करते हैं कि पब्लिक क्या डिमांड करती है, जो पब्लिक डिमांड कर रही है वो प्रोडक्ट बना दी, दूसरी चीज़ ये अपने पास से प्रोडक्ट बना दीजिए। अपने पास से कुछ ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाती है जो यूनिक प्रोडक्ट होती है, बाकी प्रोड्यूसर नहीं बना रहे होते। 5,000 नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होती हैं जापान की मार्केट में रोज़ाना, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बैंक जो है वो उसके अंदर जो भी नई प्रोडक्ट होती है वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बैंक में जमा होती है। पब्लिक रिलेशन जो यूज़ किया जाता है एक टूल के तौर पर नई प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल वगैरह, वो भी काफ़ी हद तक रिलाई करती हैं पब्लिक रिलेशंस के ऊपर। पब्लिक रिलेशन से उनको काफ़ी उनकी जो है वो लोगों के अंदर अवेयरनेस वगैरह होती है। अब जैसे कोई भी टीवी है जैसे, उसकी अवेयरनेस लोगों के अंदर पब्लिक रिलेशन के ज़रिए हो रही है। सो पॉलिटिशियन भी यूज़ करते हैं पब्लिक रिलेशन को। नाउ द कॉर्पोरेट इमेज, तो कॉर्पोरेट इमेज जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए पोजिशनिंग ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट, जो कंपनी की प्रोडक्ट है उसकी जो पोजिशनिंग की जा रही है उसके साथ, प्रोडक्ट लाइन के साथ या ब्रांड के साथ। सो हम जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है और वॉचफुल, यानी कि देखें हम और कंसिस्टेंट रहें और वेल प्लान रहें। अब है लेसन नंबर 35, जो कि दूसरा लेसन है आज के इस वीडियो का, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये 4 P's में से एक P है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रोमोशन में से। प्लेसमेंट जो है यानी प्लेस, उसी को ही डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग जो है वो राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट पीपल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस एट अ राइट प्राइस विद द राइट सर्विसेज। तो यानी कि सही प्रोडक्ट जो है वो सही लोगों को मिले जिनको वो प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, और सही वक्त पे मिले जब उनको ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की, और राइट प्लेस पे उस जगह पे मिले जहाँ पे कस्टमर मौजूद है एट अ राइट प्राइस, और प्राइस भी वो हो जो कस्टमर पे कर सके, और राइट सर्विसेज उसके साथ सर्विसेज भी जो है वो सही प्रोवाइड की जा रही हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वन ऑफ द 4 aspects ऑफ मार्केटिंग, जो 4 aspects है मार्केटिंग, उन्हीं में से एक एस्पेक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो है वो मिडिल मैन है बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के दरमियान। ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली जो है वो पहुंचा दी जाए कस्टमर तक, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कस्टमर कहीं और है और मैन्युफैक्चरर कहीं और है, तो मिडिल मैन की ज़रूरत पड़ती है एक दरमियान में। तो मिडिल मैन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोक्योरिंग करने के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर से एंड यूज़र तक, यानी कि मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए मिडिल मैन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब एक प्रोडक्ट बन जाती है तो उसके बाद फिर वो वेयर हाउस में स्टोर हो जाती है कंपनी के वेयर हाउस में, और उसी के बाद वो प्रोडक्ट जो है वो रिटेलर्स या कस्टमर्स को सोल्ड कर दी जाती है, उनको बेची जाती है। नाउ द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो पहला चैनल है वो है सेलिंग डायरेक्ट। डायरेक्टली भी सेल की जा सकती है, कई प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं डायरेक्टली सेल की जाती हैं, जैसे मशीनरी वगैरह होती हैं, टेक्निकल किस्म की प्रोडक्ट्स डायरेक्टली सेल की जाती हैं, तो कंपनी डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करती है। उसके अलावा मेल ऑर्डर है एक तरीका, इंटरनेट या टेलीफोन वगैरह के थ्रू सेल की जाती है। जैसे जैसे इंटरनेट कॉमन होता जा रहा है तो मेल ऑर्डर भी बढ़ते जा रहे हैं। रिटेलर है, रिटेलर की शॉप होती है जिस जहां पे कंज्यूमर जो है वो बाय करता है प्रोडक्ट्स को अपने इस्तेमाल के लिए,
होलसेलर होते हैं जहाँ पे बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं और वहाँ से रिटेलर बाई कर लेते हैं। एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स जो है वो प्रोड्यूसर की बिहाफ पे काम करते हैं, प्रोड्यूसर का कोई भी जो प्रोडक्ट होती है उसकी सेल करवाते हैं, उनको हम कहते हैं एजेंट्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है बल्कि सर्विस के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इस्तेमाल किया जाता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे होटल की मिसाल ले ली जाए, होटल अपनी सर्विसेज बेचने के लिए भी एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह और भी दूसरी जो सर्विसेज की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी वहाँ पे भी एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के बारे में पहले भी आ चुका है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्केट में ऑफ़र की जाती है और वो नीड या वांट को सेटिस्फाई करती है कस्टमर की। देयर हैव ऑल्सो बीन सम इनोवेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज, और कुछ इनोवेशन भी हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज के अंदर, जैसे कि फ्रेंचाइज आया है, फ्रेंचाइज का इजाफा हुआ है। अब फ्रेंचाइज़ जो है वो क्या है, रेडीमेड बिजनेस है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जैसे KFC का फ्रेंचाइज़ है, पाकिस्तान में लोग ज़्यादातौर पे सिम के फ्रेंचाइज़ से वाकिफ़ हैं, टेलीनॉर के फ्रेंचाइज़ है, जेएस का फ्रेंचाइज़ है, ये तमाम रेडीमेड बिजनेस होते हैं जो कंपनी के नाम से फ्रेंचाइजी चला रहे होते हैं, चलाने वाले इसको कोई और होते हैं और होता ये कंपनी की ऑनर कंपनी के से जो है वो राइट उनको मिल जाता है जो फ्रेंचाइजी होते हैं उनको, और कंपनी जो है वो फ्रेंचाइज़र होता है, कंपनी फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी वो जो लोग दुकान चला रहे होते हैं फ्रेंचाइज़ की। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं यहाँ पे। अच्छा, मार्केटिंग मैनेजर जो है वो सेटिस्फेक्शन लेकर आता है ह्यूमैनिटी को, सेटिस्फेक्शन ह्यूमैनिटी को देता है, क्योंकि हम जो है मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करती है, हम ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने वाली प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। नाउ दी सम वाइटल क्वेश्चंस, कुछ वाइटल क्वेश्चंस है, क्या प्रोडक्ट जो है वो सेल्ड होनी चाहिए रिटेलर के थ्रू? अब प्रोडक्ट अगर ऐसी है, टेक्निकल किस्म की प्रोडक्ट है तो रिटेलर के थ्रू सेल होगी, अदरवाइज अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है जैसे ब्रेड वगैरह है तो वहाँ पे रिटेलर की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्निकल प्रोडक्ट में किसी रिटेलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए होलसेलर के थ्रू, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग चैनल्स यूज़ हों, यानी डिफरेंट मार्केटिंग चैनल यूज़ हों, और चैनल जो है वो कितना लंबा हो, कितने लोग हों इस चैनल में, और कहाँ पे प्रोडक्ट जो है या सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सक्लूसिव सेलेक्टिव या एक्सटेंसिव हो, यानी कि जो आपका होलसेलर है क्या वो आपकी ही प्रोडक्ट रखे या बाकी भी रखे, एंड हु शुड कंट्रोल द चैनल, कौन कंट्रोल करेगा चैनल को, मैन्युफैक्चरर करेगा या कोई और करेगा, और जो चैनल का रिलेशनशिप है वो इनफॉर्मल हो या कॉन्ट्रैक्चुअल हो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कि हमारी प्रोडक्ट बिकवाओ, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, या इनफॉर्मल बात कर दी कि हमारी ये प्रोडक्ट बिकवा दो। और चैनल मेंबर्स जो है वो उनको शेयर करना चाहिए एडवर्टाइजिंग क्या, और फिजिकल आर देयर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक इश्यूज टू डील विद, कोई ऐसा इशू है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का या लॉजिस्टिक का जिसके साथ डील किया जाए, एंड व्हाट विल इट कॉस्ट टू कीप एन इन्वेंटरी ऑफ प्रोडक्ट ऑन स्टोर शेल्फ, और क्या कॉस्ट होगी इन्वेंटरी को रख टू कीप एन इन्वेंटरी ऑफ प्रोडक्ट, इन्वेंटरी ऑफ प्रोडक्ट को रखने की स्टोर शेल्फ पे। अब है लेसन नंबर 36 जो कि आज की इस वीडियो का तीसरा लेक्चर है, द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या होता है कि चेन होती है इंटरमीडियरीज की। अब कोई भी प्रोडक्ट एक बनती कहीं है और बिकती कहीं और है, तो दरमियान में कुछ इंटरमीडियरीज होते हैं होलसेलर रिटेलर वगैरह जिनके ज़रिए प्रोडक्ट जो है वो पहुँचती है। सो अब कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कि व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप वी हैव, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप हमारे पास होना चाहिए, और क्या प्रोडक्ट रिटेलर के थ्रू सेल होनी चाहिए, और कितने ज़्यादा जो है वो लेवल होने चाहिए मार्केटिंग चैनल के यूज्ड। नाउ दी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो ये पहले भी आ चुका है आपके सामने कि ये जो एक चेन है इंटरमीडियरीज की, और एक चेन के थ्रू जो है प्रोडक्ट जो है वो पास होती चली जाती है जब एंड यूज़र्स तक पहुँचती है, यानी कंज्यूमर तक पहुँचती है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चेन भी इसको कहा जाता है, या फिर इसको सिर्फ चैनल भी कहा जाता है। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं चेन के अंदर उनकी अपनी ज़रूरियात होती हैं, और प्रोड्यूसर को कंज्यूमर के साथ साथ उनकी नीड्स को भी देखना चाहिए जो चैनल में एलिमेंट्स हैं। तो चैनल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो ज़ीरो लेवल चैनल्स भी हो सकता है फिलिप कॉटलर के मुताबिक। ज़ीरो लेवल चैनल वो चैनल होता है जिसमें मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली प्रोडक्ट बेच रहा हो एंड यूज़र को, यानी दरमियान में कोई भी इंटरमीडियरी ना हो, उसको हम कहते हैं ज़ीरो लेवल चैनल, यानी कि ज़ीरो इंटरमीडियरी। तो जैसे हाई टेक प्रोडक्ट होती है मशीनरी वगैरह, वो कंपनी डायरेक्टली एंड यूज़र को बेचती है। दूसरा है वन लेवल चैनल, वन लेवल चैनल में सिर्फ एक ही
इंटरमीडियरी होता है, जैसे रिटेलर होगा या डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, फिर उसके बाद एंड कंज्यूमर तक पहुँच जाएगी। तीसरा है मल्टी लेवल चैनल, इसमें कई सारे इंटरमीडियरी होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और फिर कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो होती हैं ज़्यादातौर पर उसमें इस तरह के मल्टी लेवल चैनल्स यूज़ किए जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक तो कॉस्ट, जितने ज़्यादा इंटरमीडियरी होंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी, इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है। और कवरेज ऑफ मार्केट, कितनी बड़ी मार्केट को कवर करना है उसके हिसाब से भी फिर इंटरमीडियरीज रखे जाते हैं। चैनल स्ट्रक्चर में कन्वेंशनल या फ्री फ्लो होता है। कन्वेंशनल या फ्री फ्लो में होता क्या है कि ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाती है और प्रोडक्ट भी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और जो सिंगल ट्रांजेक्शन है इसमें क्या होता है, एक टेम्प्रेरी किस्म का जो है वो सेटअप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी है पेशावर में लेकिन उसकी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो कराची में भी है, तो वो टेम्प्रेरी तौर पे एक सेटअप बना लेता है कि कराची में भी एक जो है वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो उसको हम कहेंगे सिंगल ट्रांजेक्शन। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में अपना ओन जो है वो होलसेलर होता है मैन्युफैक्चरर का, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है यानी इंटीग्रेटेड होता है, वो जुड़ा हुआ होता है, उसका अपना होता है वो इंटरनल मार्केट। अब इंटरनल मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो है इंटरनल कस्टमर का कॉन्सेप्ट, के जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक जो है वो एक्सटर्नल कस्टमर के लिए अप्लाई किए जा रहे हैं वो इंटरनल कस्टमर के लिए भी अप्लाई किए जा सकते हैं। अब एक्सटर्नल कस्टमर तो वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, और इंटरनल वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग होते हैं। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क इसलिए किया जाता है ताकि ट्रांसफ़र प्राइस को देखा जा सके कि ट्रांसफ़र प्राइस क्या है। अब ट्रांसफ़र और सेल प्राइस क्या है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म का डिफरेंट समझना ज़रूरी है। सेल प्राइस तो वो होती है जिस पर एंड कंज्यूमर चीज़ ख़रीदता है, उसको कहा जाता है सेल प्राइस, जिस पर एंड कंज्यूमर चीज़ ख़रीद रहा है उसको सेल प्राइस कहा जा रहा है। लेकिन ट्रांसफ़र प्राइस वो होती है जिस पर कोई होलसेलर या रिटेलर, वो लोग प्राइस पे करते हैं जिन्होंने दोबारा प्रोडक्ट को बेचना होता है, उन्होंने अपने इस्तेमाल में नहीं लेना होता। तो ऐसे लोगों को के पास जब प्रोडक्ट जाती है जिस प्राइस पे वो लोग ख़रीद रहे होते हैं, वो पे कर रहे होते हैं जिस प्राइस को, उसको कहा जाता है ट्रांसफ़र प्राइस। और कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा होता है वो कहा उसको कहा जाता है सेल प्राइस। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस समझना काफ़ी ज़रूरी है। चैनल डिसीजंस में जो डिसीजन आते हैं वो ओवरऑल पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आती है, चैनल की स्ट्रेटजी आती है, प्रोडक्ट की या सर्विस की स्ट्रेटजी आती है, और कंज्यूमर लोकेशन, अब उसमें पोटेंशियल कंज्यूमर भी आ जाते हैं जिनको मुमकिन कंज्यूमर कहा जाए। चैनल मैनेजमेंट में अगर बात करें हम, तो एक मार्केटिंग मैनेजर तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक वो मैनेज करना ना सीख ले चैनल की डिस्ट्रीब्यूशन को। और चैनल डिसीजन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट इन थ्योरी, क्योंकि एक ट्रेड ऑफ होती है कॉस्ट ऑफ इंटरमीडियरी टू वाइडर अचीव वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ेगी, अगर कोई कंपनी जितनी ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। तो इस हिसाब से जो है वो चैनल डिसीजन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी जो है वो डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट बेच दे, लेकिन कस्टमर हज़ारों लाखों भी हो सकते हैं, मेल ऑर्डर के थ्रू भी बेच सकते हैं, लेकिन मेल ऑर्डर के थ्रू भी बेचने की एक लिमिट है। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है जब प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कॉस्ट और कवरेज इन दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है, कि कॉस्ट कितनी आ रही है, कवरेज अगर बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन जारी बात है कवरेज बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचेगी प्रोडक्ट। तो इन दोनों का बैलेंस, एक अच्छा बैलेंस होना ज़रूरी है। अब बहुत से सप्लायर्स ये समझते हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट को किसी चैनल मेंबर को सेल कर दिया, यानी होलसेलर या रिटेलर को, तो उनका काम पूरा हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ, प्रोडक्ट अभी पहुँची नहीं है एंड कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुँची नहीं है। तो अगर किसी होलसेलर या रिटेलर को प्रोडक्ट बेच दिए तो काम अभी पूरा नहीं हुआ सप्लायर का। इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं ऑन द पार्ट ऑफ सप्लायर वो है चैनल की मेंबरशिप का, चैनल मोटिवेशन का, मोटिवेट करना चैनल मेंबर्स को, उनको इंसेंटिव वगैरह देना, मॉनिटरिंग करना, मैनेजिंग करना चैनल्स को, जो चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन का उसको मॉनिटरिंग करना। अब चैनल मेंबरशिप की बात करें, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है यानी बहुत ज़्यादा फैली हुई डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे रिटेलर्स के पास प्रोडक्ट होना, उसको इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्ट जो है वो कुछ रिटेलर्स के पास होती है, बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं होती। और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में एक इलाके में सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूटर के पास, एक ही रिटेलर के पास वो प्रोडक्ट होती है, चंद गिने चुने रिसेलर्स होते हैं सिलेक्टेड, और उन गिने चुने रिसेलर्स के पास ही वो एक प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, उसको कहते हैं
एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, यानी एक इलाके का किसी सिर्फ एक ही रिटेलर होगा या रिसेलर होगा जिसके पास वो प्रोडक्ट मिलेगी। सो चैनल की मोटिवेशन करना ज़रूरी होती है, इंसेंटिव वगैरह देना ज़रूरी होता है चैनल मेंबर को, और मॉनिटरिंग और मैनेजिंग करना भी ज़रूरी है चैनल्स को, उनको अच्छी तरह से देखना और कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व करना। अब है लेक्चर नंबर 37, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या? कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। ये कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशंस का, लोगों का, एक्टिविटीज़ का, इंफॉर्मेशन का और उन तमाम रिसोर्सेज का जो इन्वॉल्व होते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस को मूव करने के लिए सप्लायर से कस्टमर तक, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो सप्लायर से कस्टमर तक जो है वो मूव की जाती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ज़रिए, और इसमें ये तमाम चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। और ये कोऑर्डिनेटेड किस्म का सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है जिसमें कोऑर्डिनेशन होती है, यूनिफिकेशन होती है। सबसे पहले जो है वो नीड होती है किसी भी कस्टमर की, जब उसे कोई भी कमी होती है किसी चीज़ की तो उसको ज़रूरत महसूस होती है, अगर भूख लगी है तो खाने की जो है वो ज़रूरत होती है, फिर वो वांट में कन्वर्ट हो जाती है, एक ख़ास चीज़ के बारे में इंसान सोचता है कि वो मुझे लेनी है। जैसे अगर भूख लगी तो बर्गर खाने का दिल चाह रहा है, वो वांट बन गई, फिर उसके बाद डिमांड बन जाती है, वो वांट जब ख़रीदने का, उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए पैसे भी हों, जब बाइंग एबिलिटी भी हो, एबिलिटी टू बाई, यानी कि ख़रीदा जा सके, यानी कि बर्गर ख़रीदने के पैसे हैं, 100 रुपये का बर्गर मिल रहा है, 100 रुपये हैं, तो वो डिमांड में कन्वर्ट हो गई। डिमांड के बाद फिर कंजम्पशन, उस चीज़ को कंजम कर लिया जाता है, इस्तेमाल कर लिया जाता है, कंजम्पशन करने के बाद अब बर्गर खा लिया तो उसके बाद फिर उसकी सेटिस्फेक्शन आएगी सामने। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो है वो एंटिटीज़ होती हैं, कौन कौन सी एंटिटीज़ होती हैं, कौन कौन से लोग होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट्स को, सेल्स चैनल होते हैं, और कंज्यूमर फाइनली वो जो कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट को। तो ये तमाम एंटिटीज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है रॉ मटेरियल को और कंपोनेंट्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में, यानी कि प्रोडक्ट्स जो है वो बनाई जाती है रॉ मटेरियल से, प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है फिनिश गुड्स में, फिनिश प्रोडक्ट्स में, ऐसी प्रोडक्ट्स में जो कि एंड कंज्यूमर, जो आखिरी जो कंज्यूमर है जो कंज्यूम करेगा यूज़ करेगा प्रोडक्ट वो, तो उस तक और डिलीवर्ड भी की जाती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू। प्रोडक्ट जो है वो, जो ट्रांसफॉर्म हुई हुई प्रोडक्ट है वो फिर डिलीवर्ड भी की जाती है एंड कंज्यूमर को। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एस्पेक्ट है मार्केटिंग का, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का वो तो है कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल करना, जो कस्टमर डिमांड कर रहे हैं उस डिमांड को फुलफ़िल करना है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग की जाती है, इम्प्लीमेंटिंग की जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है, तो ये तीनों चीज़ें की जाती हैं। और ये बात बहुत अहम है समझने वाली कि प्लानिंग किसी काम की नहीं अगर उसको इम्प्लीमेंट ना किया जा सके, अगर प्लान बन गया इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो किसी काम का नहीं, और इम्प्लीमेंटिंग भी किसी काम की नहीं अगर उसमें कंट्रोल ना हुआ, क्योंकि कंट्रोलिंग अगर नहीं होगी तो फिर जो टारगेट हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आएंगे, जो टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं वो टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्पेंस ऑल मूवमेंट, स्पेंस से मतलब जो वक्फा आता है मूवमेंट का और स्टोरेज का, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोसेस का और फिनिश गुड्स का, पॉइंट ऑफ ऑरिजन जहाँ पे चीज़ बन रही है और वहाँ पर जहाँ जो पॉइंट ऑफ कंजम्पशन है, जहाँ पे कंज्यूम हो रही है चीज़, जहाँ कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट या प्रॉब्लम्स या इशूज़, अब इशू का मतलब क्या होता है, इशू का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको टैकल करने की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि हर इशू प्रॉब्लम ही हो। सो पहला जो इशू आता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, नंबर और लोकेशन, नंबर यानी कितने मतलब यानी कि नंबर एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, कितने सप्लायर हैं और उनकी लोकेशन क्या है, इसी तरह से प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, वेयर हाउस और कस्टमर्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती हैं। फिर दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, अब डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी में देखा जाता है सेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज, डायरेक्ट शिपमेंट है, पुल या पुश स्ट्रेटजी है, पुल में प्रोडक्ट को पुल किया जाता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह प्रमोशन के थ्रू पुल किया जाता है, पुश में प्रोडक्ट को पुश किया जाता है रिटेलर वगैरह के थ्रू, एंड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, इन्फॉर्मेशन में, अब इन्फॉर्मेशन भी एक इशू है कि आपके पास एनफ इन्फॉर्मेशन है या नहीं। नाउ दी मार्केटिंग मैनेजर नेवर स्लिप, कभी भी सोता नहीं है मार्केटिंग मैनेजर, और मार्केटिंग मैनेजर जो है वो सोचता रहता है। इन्वेंटोरी मैनेजमेंट, इन्वेंटोरी मैनेजमेंट में क्वांटिटी आ जाती है और लोकेशन होती है इन्वेंटोरी की, कि कितनी मिकदार है इन्वेंटोरी की और वो कहाँ पड़ी हुई है, कहाँ रखी हुई है, और इसमें तीनों तरह की इन्वेंटोरी आती है, रॉ मटेरियल जो कच्चा मटेरियल है वो, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, ये तमाम चीज़ें आती हैं ना। एंड नाउ दी एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस, सो क्रॉस सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है कैसी क्रॉस फंक्शनल अप्रोच है जिसके अंदर मैनेजिंग की जाती है मूवमेंट रॉ मटेरियल की,
इनटू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रॉ मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, बाहर से कहीं से रॉ मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है, तो ये भी इसकी इसकी मूवमेंट को भी मैनेज किया जाता है। और फिर जो फिनिश जो गुड्स है, जो चीज़ बन गई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाती है एंड कंज्यूमर तक, तो इन दोनों इन सब की मूवमेंट भी जो है वो मैनेज की जाती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। नाउ द कोर कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी असल में होती क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ एक तरह से समझ लें, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को सुपीरियर बनाती है बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, उसको कोर कॉम्पिटेंसी कहा जाता है। नाउ द कंट्रोल इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सो द पर्पस ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज टू, जो पर्पस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का वो क्या है, इम्प्रूव करना ट्रस्ट को और कोलेबोरेशन को अमंग सप्लाई चेन पार्टनर्स, जितने भी सप्लाई चेन के पार्टनर्स हैं उनके दरमियान ट्रस्ट और कोलेबोरेशन को इम्प्रूव करना, और इम्प्रूव करना इन्वेंटोरी की विजिबिलिटी, जो इन्वेंटोरी है उसकी विजिबिलिटी को, और इम्प्रूव करना इन्वेंटोरी की वेलोसिटी को, यानी कि उसकी मूवमेंट को। नाउ द स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज, सो स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें शामिल है नंबर, तादाद यानी लोकेशन, साइज ऑफ द वेयर हाउसेज, यानी कि वेयर हाउसेज कितने हैं, उनके वो कहाँ पर हैं, उनका साइज़ क्या है, कितने बड़े हैं, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड दी फैसिलिटीज। सो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स विद सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एंड कस्टमर क्रिएटिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क चैनल्स, तो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जाती है सप्लायर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ और कस्टमर्स के साथ, क्रिएटिंग करता है, बनाता है कम्युनिकेशन चैनल्स, किसके लिए, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए और ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट के लिए, जैसे क्रॉस डॉकिंग, डायरेक्ट शिपिंग एंड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। सो प्रोडक्ट डिज़ाइन कोऑर्डिनेशन, सो दैट न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैन बी ऑप्टिमली इंटीग्रेटेड इनटू द सप्लाई चेन, यानी कि जो नई या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो पहले से मौजूद है, वो ऑप्टिमली तौर पर जो है वो इंटीग्रेटेड हो जाए सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसका हिस्सा बन जाए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सपोर्ट करता है सप्लाई चेन ऑपरेशन को, वेयर टू मेक एंड व्हाट टू बाय, व्हाट टू मेक और बाय डिसीजन। अब ये क्वेश्चन है, वेयर टू मेक, कहाँ जो है वो बनाएँ, व्हाट टू मेक और क्या बनाएँ, कहाँ बनाएँ, क्या बनाएँ, या बाय डिसीजन करें, हम बाय का डिसीजन करना, तो ये क्वेश्चन है। नाउ द टैक्टिकल एक्टिविटीज़, अब टैक्टिकल एक्टिविटीज़ में सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर परचेसिंग डिसीजन, टैक्टिकल एक्टिविटीज़ में जो पहली चीज़ आ रही है वो आ रही सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट और अदर परचेसिंग डिसीजन आते हैं। प्रोडक्ट डिसीजंस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग लोकेशंस शामिल है, स्केड्यूलिंग शामिल है, प्लानिंग प्रोसेस डेफिनेशन शामिल है। इन्वेंटोरी डिसीजंस हैं, अब इन्वेंटोरी डिसीजंस में क्या क्या चीज़ें शामिल है, क्वांटिटी शामिल है, लोकेशन शामिल है और क्वालिटी शामिल है इन्वेंटोरी की। इन्वेंटोरी डिसीजन तो जारी करते हैं इन्वेंटोरी के बारे में है। ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज़ें शामिल है, फ्रीक्वेंसी शामिल है, रूट्स शामिल है और कॉन्ट्रैक्टिंग शामिल है। बेंचमार्किंग जो है वो तमाम ऑपरेशंस जितने भी होते हैं अगेंस्ट कंपटीशन, कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट, उसमें और इम्प्लीमेंटेशन करना बेस्ट प्रैक्टिसेस थ्रू आउट द इंटरप्राइजेज, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेहतर प्रैक्टिसेस, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। नाउ द ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, अब ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में डेली प्रोडक्शन, जो रोज़ाना प्रोडक्शन हो रही है, जो चीज़ें बन रही हैं वो, और डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, और इसमें इंक्लूड होता है जितने भी नोड्स आते हैं सप्लाई चेन के अंदर। प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग फॉर ईच मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। डिमांड प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग कोऑर्डिनेटिंग, अब डिमांड प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग कोऑर्डिनेटिंग द डिमांड फॉरकास्ट ऑफ ऑल कस्टमर्स एंड शेयरिंग द फॉरकास्ट विद ऑल सप्लायर। सोर्स प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, करंट इन्वेंटोरी और फॉरकास्ट डिमांड इन कोलेबोरेशन विद ऑल सप्लायर। करंट इन्वेंटोरी और फॉरकास्ट डिमांड की जाती है, डिमांड को फॉरकास्ट किया जाता है, प्रडिक्शन की जाती है, लेकिन ये किसकी कोलेबोरेशन से होता है, सप्लायर के साथ मिलके। और इनबाउंड ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सप्लायर्स एंड रिसीविंग इन्वेंटोरी, यानी कि जो सप्लायर्स से ट्रांसपोर्टेशन है जिससे हम सामान उठाते हैं और जो रिसीविंग इन्वेंटोरी हो रही है, इसी वजह से उसको इनबाउंड कहा जा रहा है, अंदर आ रही है चीज़ें। प्रोडक्शन ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल है, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, एंड फ्लो ऑफ फिनिश गुड, और जो फिनिश गुड्स का फ्लो है, जो चीज़ें बन गई हैं उनका फ्लो। आउटबाउंड ऑपरेशंस में क्या क्या चीज़ें शामिल है, फुलफिलमेंट एक्टिविटीज़ शामिल है तमाम, और ट्रांसपोर्टेशन टू कस्टमर, यानी कि कस्टमर तक पहुँचाना। अदर प्रोमिसिंग अकाउंटिंग फॉर ऑल कंस्ट्रेंट इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अब ये जो चीज़ें हैं इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, सप्लायर्स शामिल हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ शामिल हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड अदर कस्टमर्स। अब है लेसन नंबर 38।
होलसेलिंग एंड लॉजिस्टिक्स। तो होलसेलिंग क्या होता है, होलसेलर तो आपको पता होगा क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो बल्क में बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी उठाते हैं मैन्युफैक्चरर से और उसको रिटेलर को बेच देते हैं, उनको हम होलसेलर कहते हैं। तो जब होलसेलर की हम बात कर रहे हैं तो ये इसका मतलब ये होता है इंटरमीडियरीज, वो दरमियाने लोग जो ट्रांसफ़र करते हैं गुड्स मैन्युफैक्चरर से लेकर एंड यूज़र तक यानी कंज्यूमर तक। लेकिन अगर हम एंड यूज़र तक की बात करें तो दरमियाने रिटेलर भी आता है, तो मैन्युफैक्चरर से ये उठाते हैं फिर ये रिटेलर को बेचते हैं और रिटेलर से प्रोडक्ट जो है वो एंड यूज़र तक पहुंच जाती है। और ये एक ओल्ड एज प्रोफेशन है यानी कि बहुत पुरानी है होलसेलिंग, कोई अभी की नहीं है। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ दी गई कि होलसेलिंग में तमाम वो एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जिसमें सेल किया जाता है गुड्स सर्विस उन लोगों को जो रीसेल करते हैं या बिजनेस यूज़ करते हैं। यानी कि रिटेलर को अगर बेचता है होलसेलर तो वो रीसेल करने के लिए ख़रीदता है या फिर बिजनेस यूज़ के लिए भी चीज़ें बेची जा सकती हैं, यानी किसी कंपनी को बेची जा सकती है इस्तेमाल के लिए, उसको हम कहते हैं बिजनेस यूज़। तो होलसेलर जो है वो रिटेलर से मुख्तलिफ होते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं करते हैं और ये डील करते हैं बिजनेस कंज्यूमर में और कॉमन मैन में डील नहीं करते हैं। उनकी जो ट्रांजेक्शन होती है होलसेलर की बहुत बड़ी होती है, जाहिर बात है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सेल करते हैं ये। और गवर्नमेंट भी होलसेलर और रिटेलर को दोनों को अलग अलग तरह से डील करती है जब हम कानून की और रेगुलेशंस की बात करते हैं उस मामले में। फंक्शंस क्या हैं होलसेलर के, तो फंक्शन से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लीजिए कि जो जब भी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर से एंड यूज़र तक जाएगी तो जितने ज़्यादा स्टेप होंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट की कॉस्ट में इजाफा होगा, जितने कम स्टेप होंगे उतनी कम प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। तो पहला जो फंक्शन है होलसेलर का वो है वो सेल करता है, प्रमोट करता है रिटेलर्स को, तो बेचता भी है और प्रमोट भी करता है रिटेलर को। उसके अलावा फिर वो बाइंग करता है, असॉर्टमेंट कर लेता है, यानी कि चीज़ें खरीदी उसने बहुत ज़्यादा मिकदार में, अब उनकी असॉर्टमेंट कर दी, उनकी क्लासिफाई कर दी, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ग्रुप्स में कुछ इस तरह भी डिवाइड किया जा सकता है कि ये ए क्वालिटी की प्रोडक्ट, ये बी क्वालिटी की प्रोडक्ट, ये सी क्वालिटी की प्रोडक्ट वगैरह। बल्क ब्रेकिंग करता है होलसेलर, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो उठा लेता है माल और उसको फिर थोड़ा थोड़ा करके वो बेचता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कार्टन पूरे के पूरे उठा लेता है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि रिटेलर पूरा कार्टन ही खरीदे होलसेलर से, ऐसा भी होता है कि रिटेलर्स को कुछ पीस चाहिए होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं किसी के 10 पीस चाहिए या 5 पीस चाहिए, तो जारी बात है पूरा कार्टन तो रिटेलर नहीं ख़रीदेगा। तो ये बल्क ब्रेकिंग का काम भी करता है होलसेलर। वेयर हाउसिंग करता है, जमा करके रखता है, जारी बात है होलसेलर का जो सामान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है होलसेलर, सामान जो है वो लेकर भी आता है। फाइनेंसिंग का काम करता है, रिटेलर को जो है वो उधार पे भी सामान जो है वो देता है होलसेलर, और कंपनी से भी ख़रीद के एक तरफ ला रहा है, तो कंपनी को भी एक तरह से पैसा दे रहा है वो और रिटेलर को भी। रिस्क बेयरिंग का काम कर रहा है, जब तक होलसेलर ने सामान ख़रीदा हुआ है और वो बिक नहीं रहा है तो एक रिस्क है, उसका पैसा रुका हुआ है तो एक तरह से उसने रिस्क लिया हुआ है। तो होलसेलर एक बहुत ही इंटेलिजेंट, शार्प और परसेप्टिव और एक्टिव किस्म का होता है, इसके पास मार्केट इन्फॉर्मेशन भी होती है। होलसेलर जो है वो उसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि मर्चेंट होलसेलर जिनको हम ताजिर कहते हैं, जो ख़रीदते हैं माल और फिर बेचते हैं। फुल सर्विस होलसेलर्स होते हैं जो पूरी की पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ना सिर्फ चीज़ें बेचते हैं बल्कि पूरी की पूरी सर्विस, अब एसी है या कोई मशीनरी उसको पूरा इंस्टॉल करना, उसको पूरा लगाना और पूरी की पूरी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं जिनके पास सिर्फ एक कंपनी की प्रोडक्ट्स होती हैं। ब्रोकर्स या एजेंट्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो ख़रीदते नहीं हैं लेकिन किसी के बिहाफ पे काम करते हैं, किसी कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं। लिमिटेड सर्विसेज होलसेलर होते हैं, एक तो फुल सर्विस आपको बताया वो पूरी तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनकी जो सर्विस होती है ये लिमिटेड होती है। अब होलसेलर मार्केटिंग डिसीजंस, क्या क्या डिसीजंस होते हैं जो होलसेलर ने लेने होते हैं मार्केटिंग के, वो है टारगेट मार्केट्स को देखना कि कौन सी मार्केट टारगेट कर रहा है होलसेलर, उसके अलावा प्रोडक्ट की असॉर्टमेंट करना और सर्विसेज की कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो किस कैटेगरी की है, कौन सी प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है, प्राइसिंग करना कि प्राइस क्या होगी, प्लेस डिसीजन करना कौन सी प्रोडक्ट कहाँ जाएगी, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी, और ट्रेंड्स एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं रहती, आज जो चीज़ डिमांड में है, ट्रेंड में है, वो कल वो चीज़ नहीं होगी, तो इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रखना। एबिलिटी टू बाय देखना कि कंज्यूमर जो है वो कितना एबल है बाय करने का, क्या वो पे कर सकता है प्रोडक्ट के लिए या नहीं। अब जब एबिलिटी की बात होगी तभी जाके विलिंगनेस टू बाय आएगी, अगर वो पे कर सकता है तभी उसकी विलिंगनेस देखी जाएगी, अगर बाय की करने की उसकी एबिलिटी नहीं है तो फिर विलिंगनेस होने का भी कोई फ़ायदा खास नहीं होता। अब ये अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक डिवीजन, इनके मुताबिक काफ़ी इन्होंने लेंथी एक वो दिया है होलसेलर के बारे में अपना व्यू, तो थोड़ा सा हिस्सा आपको बताते हैं कि होलसेलर इनके मुताबिक जो है वो होलसेल का मतलब ये होता है रीसेल करना, यानी दोबारा से बेचना नई या पुरानी सामान को रिटेलर्स तक। अब इसमें नई चीज़ भी बेच सकता है होलसेलर और पुरानी चीज़ भी बेच सकता है, रिटेलर को बेचता है, इंडस्ट्रियल को बेचता है जो इंडस्ट्रियल यूज़र होते हैं, कमर्शियल को बेचता है, इंस्टीट्यूशनल या प्रोफेशनल यूज़र को बेचता है।
तो ये जो इन्होंने दिया है होलसेलर के बारे में, नाउ द मार्केटिंग लॉजिस्टिक एंड इंजीनियरिंग। तो जो एक अच्छा मार्केटिंग मैनेजर होता है वो इंजीनियर होता है लॉजिस्टिक्स का, और लॉजिस्टिक में वो किन किन चीज़ों की इंजीनियरिंग करता है, इन तमाम चीज़ों की इंजीनियरिंग करनी होती है उसने, परचेजिंग की, यानी ख़रीदना, उसको परचेजिंग डिसीजन अच्छा लेना होता है कि कहाँ से उसने ख़रीदना है, होलसेल जो उसकी मार्केट सॉरी जो कंपनीज हैं, अब जाहिर बात है वहाँ से उठाना, उसको परचेज करना, अब परचेज़ के बाद उसके ट्रांसपोर्ट करना, अब कंपनी मौजूद है किसी एक शहर में और लेकर आना है किसी दूसरे शहर में, उसकी ट्रांसपोर्ट अच्छी तरह करना, फिर स्टोर करना, उसको जमा करके रखना वेयर हाउस वगैरह के अंदर, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना रिटेलर्स तक उनको जो है वो पहुँचाना, और वेयर हाउसिंग करना रॉ मटेरियल्स की भी, सेमी फिनिश गुड्स की भी, यानी वर्क इन प्रोसेस गुड्स की, जो सामान अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ, और फिनिश गुड्स की भी, जो सामान बन के तैयार हो गया है। तो इन तमाम एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली मैनेज करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मेन क्वेश्चन होता है जो एक लॉजिस्टिक इंजीनियर के माइंड में होता है। अब है लेसन नंबर 39, जिसमें है रिटेलिंग। तो रिटेलिंग जो है वो टेल एंड पर होती है कमर्शियल टनल के, क्योंकि सबसे आखिर में जो रिसेलर होता है वो रिटेलर ही होता है, रिटेलर के बाद कोई और सेलर नहीं है, कंपनी के बाद होलसेलर ने ली प्रोडक्ट, होलसेलर से रिटेलर ने ले लिया, अब रिटेलर के बाद कोई और नहीं है, अब डायरेक्टली कंज्यूमर ही प्रोडक्ट ख़रीदेगा। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट की डेफिनेशन पहले भी आ चुकी है, प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जो ऑफ़र की जाती है मार्केट में और वो सेटिस्फाई करती है नीड या वांट को। अब मार्केटिंग मैनेजर्स वो लोग होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन नीड को, और वो सेटिस्फेक्शन और वेलफेयर लेकर आते हैं। कस्टमर और कंज्यूमर क्या है, इनमें भी थोड़ा फ़र्क है। कस्टमर तो वो होता है जो प्रोडक्ट को ख़रीदता है लेकिन वो ख़ुद इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन जो कंज्यूमर होता है वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। एक एग्जांपल दी गई यहाँ पे कि एक हाउसवाइफ जो है वो कुकिंग ऑयल ख़रीदती है हाउस होल्ड के लिए, अब वो तो कस्टमर है, लेकिन पूरी की पूरी जो फैमिली है वो जो है कंज्यूमर है, क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली ने वो ऑयल कंज्यूम करना है, तो इसमें थोड़ा फ़र्क है। ये रिटेलिंग जो है कंसिस्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल और हाउस होल्ड कंजम्पशन। रिटेलिंग जो है वो इसमें शामिल क्या क्या चीज़ें हैं, सेल करना गुड्स की या मर्चेंडाइज की पर्सनल या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए, किसी एक फिक्स लोकेशन से भी बेची जा सकती है, डिपार्टमेंट स्टोर या कियोस्क से, कियोस्क यानी कि खोखा वगैरह जो है। अगर कॉमर्स के अंदर हम देखें, जिस कॉमर्स से मुराद तजारत व्यापार वगैरह के हिसाब से, कि रिटेलर क्या करता है, बाय करता है गुड्स या सर्विसेज बड़ी क्वांटिटी में, मैन्युफैक्चरर से भी ख़रीद सकता है वो, इंपोर्टर से भी ख़रीद सकता है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर से भी ख़रीद सकता है, या होलसेलर के थ्रू भी ख़रीद सकता है, और वो सेल करता है इंडिविजुअल आइटम्स स्मॉल क्वांटिटीज़ यानी छोटी मिकदार में, किसको सेल करता है, जनरल पब्लिक को या एंड यूज़र जो होते हैं, जो आखिर में जिन्होंने प्रोडक्ट को यूज़ करनी होती है, किसी एक शॉप वगैरह के अंदर जिसको हम स्टोर कहते हैं। और एबिलिटी टू बाय देखी जाती है कि कस्टमर कितनी पे कर सकता है, कितना प्राइस पे कर सकता है प्रोडक्ट के वो, और विलिंगनेस टू बाय, और वो कितना जो है वो ख़रीदना चाहता है। तो इस बात के लिए केयरफुल होना पड़ता है प्रोडक्ट की प्राइस सेट करते वक्त, कि प्रोडक्ट की प्राइस इतनी ना बढ़ जाए कि कस्टमर उसको ख़रीद ना सके। तो रिटेलर जो है वो एंड पर होते हैं सप्लाई चेन के, और मार्केटर्स जो है वो रिटेलिंग को ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी का एक हिस्सा देखते हैं, कि एक हिस्सा है वो। तो रिटेलिंग किस तरीके से की जाती है, रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स में रिटेलिंग की जाती है, यानी कि गलियों वगैरह के अंदर जो जहाँ पर रिहाइश होती है वहाँ पर ही दुकानें वगैरह बनती हैं, हमारे यहाँ तो कॉमन है गलियों में दुकानें होना, गली के कोने पे या गलियों के अंदर भी। इसके अलावा शॉपिंग स्ट्रीट्स भी होती हैं जहाँ पे सिर्फ दुकानें बनी होती हैं, ऐसी गलियाँ जहाँ सिर्फ दुकानें हों, जहाँ पे हाउस घर बहुत कम होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते, शॉपिंग सेंटर्स होते हैं बड़े बड़े, अंडर द वन रूफ शॉपिंग यानी एक ही छत के नीचे तमाम जो है वो पूरी शॉपिंग कर लें, जैसे सुपरमार्केट वगैरह होती है। तो शॉपिंग जो है समटाइम जो है कभी कभी ये एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी होती है, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें इंजॉय करते हैं, सुपरमार्केट वगैरह में जब लोग शॉपिंग करते हैं उसको बकायदा इंजॉय करते हैं, और उसमें ये भी होता है कि बहुत सी चीज़ें सिर्फ देखते हैं लोग, ख़रीदते नहीं हैं। तीन मेजर हिस्से हैं रिटेलिंग के, तीन जो है वो मेजर उसकी टाइप्स हैं। तो दो तो वो हैं जिसमें कस्टमर विज़िट करता है बकायदा किसी जगह का, किसी बिल्डिंग का ख़रीदने के लिए। पहला है काउंटर सर्विस। काउंटर सर्विस में क्या होता है कि कोई दुकानदार होता है जो चीज़ बेच रहा होता है, और जो रिटेलर यानी कि दुकानदार जिस तरीके से बात करता है उस और बिहेव करता है, उससे पता चलता है सोसाइटी का कल्चर क्या है, नेशन क्या है। पाकिस्तान में दुकानदार ज़ाहिर बात है उर्दू बोलेगा,
तो उससे हमें पता चलता है कि किस क्या कल्चर है सोसाइटी का और नेशन के बारे में, और वो बोलेगा भी उस तरीके से जिस तरह से हमारा बात करने का अंदाज़ है और कल्चर है। अब किस किन किन चीज़ों के बारे में वो बात करेगा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा, क्या क्या खसूसियात है प्रोडक्ट के अंदर, और प्राइजिंग के बारे में बात करेगा, जो प्राइस है प्रोडक्ट की, और उसके अलावा वो एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेगा कि प्रोडक्ट्स से क्या क्या एडिशनल बेनिफिट कस्टमर को मिलेंगे। अब दूसरा तरीका है रिटेलिंग का सेल्फ सर्विसेज, जैसे सुपरमार्केट वगैरह होती हैं और बहुत सारे यूटिलिटी स्टोर्स भी सेल्फ सर्विसिंग प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे कोई दुकानदार नहीं होता, कस्टमर जो है वो ख़ुद प्रोडक्ट देखता है और ख़ुद प्रोडक्ट जो है वो ट्रॉली में डालता रहता है और फिर काउंटर पर फाइनली जाके वो पेमेंट कर देता है। और तीसरा तरीका ये है कि इसमें कोई शॉप या कोई भी एक जगह नहीं होती जहाँ पे जाके प्रोडक्ट को ख़रीदा जाए, बल्कि ऑनलाइन जो है वो जिस तरीके से आजकल कॉमन है ऑनलाइन शॉपिंग, उस तरीके से ऑनलाइन जो है वो प्रोडक्ट्स को जो है वो ऑर्डर कर दिया जाता है। अब फिज़िकल प्रोडक्ट की भी इसमें डिलीवरी हो सकती है, कोई फिज़िकल प्रोडक्ट हो, इसके अलावा ऑनलाइन में ऐसी प्रोडक्ट भी होती हैं जिनकी डाउनलोडिंग की जाती है, सॉफ्टवेयर वगैरह जैसे होते हैं, और उनमें डाउनलोडिंग या वर्चुअल डिलीवरी वगैरह भी होती है। सो सेल्फ सर्विस जो जहाँ पे होती है वहाँ पे वो एक बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अब कुछ हिस्ट्री देखें रिटेलिंग की, तो 19th सेंचुरी में यानी 200 साल पहले फ्रांस में जो है वो आर्केड इन्वेंट हुए, यानी आर्केड एक ऐसी किस्म की दुकानें होती थी जिसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होती थी, जैसे कपड़े की दुकानें तो सिर्फ कपड़े वहाँ होते थे, तो 200 साल पहले ये ईजाद हुआ। वैसे रिटेलिंग तो हज़ारों साल से चल रही है, लेकिन इस तरह की जो दुकान है आर्केड्स वगैरह जहाँ पे एक प्रोडक्ट एक दुकान में मिल रही हो, तो वो जो है 200 साल पहले फ्रांस में ईजाद हुआ। अब शॉपिंग मॉल के अंदर हेयर पिन से लेकर एयरक्राफ्ट तक की तमाम जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। नाउ द रिटेल फंक्शंस, अब रिटेलर्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करता है रिटेलर जो है वो प्रेजेंट करता है प्रोडक्ट्स कस्टमर को, और प्रेजेंटेशन से प्रोडक्ट की वैल्यू में भी इजाफा होता है। दूसरा है ऑफरिंग करना, ऑफरिंग जारी बातें की जाती है प्रोडक्ट्स को, जो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं इम्पल्स बाइंग जिनमें होती है, जैसे टॉफ़ी वगैरह होती हैं जो फ़ौरन जो है वो कस्टमर ख़रीद लेता है, बच्चे वगैरह देख के, बच्चे अगर वो देखें प्रोडक्ट को तो फ़ौरन वो ख़रीद लेते हैं, टॉफ़ी वगैरह चॉकलेट्स वगैरह इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसको रिटेलर जो है वो आगे रखते हैं और बाकी प्रोडक्ट्स को पीछे रखते हैं, क्योंकि ये इम्पल्स बाइंग वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, तो इसको हम ऑफरिंग कहते हैं। प्राइसिंग, प्राइस सेट करना प्रोडक्ट के, उसके अलावा रीच होना प्रोडक्ट की कस्टमर तक रीच होना, अब जो ब्रेड करीब अवेलेबल होगी तो लोग उसी ब्रेड को ख़रीदेंगे, तो ये रीच में आ जाता है। और ज़ाहिर बात है एक्सेसिबिलिटी, कंज्यूमर की कस्टमर की एक्सेसिबिलिटी जो होती है उसको हम रीच कहते हैं, कि कस्टमर की पहुंच कहाँ तक है, कहाँ तक वो इजीली पहुंच सकता है, कौन सी दुकान उसके करीब में है, अब जो प्रोडक्ट वो चाह रहा है वो अवेलेबल है उसके करीब की दुकान में या नहीं है, तो इसको हम कहते हैं रीच। कन्वीनियंस से मुराद आसानी होना, अब स्टोर्स ऐसे बने होना कि कस्टमर जो है वो इजीली प्रोडक्ट्स को ख़रीद सके, काउंटर्स के को इस तरह से बनाया जाए, ऊंचे काउंटर्स ना हो ताकि छोटे कद के जो अफराद हैं उनको मसला ना हो, और अगर कोई प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो बच्चा ख़रीदने आया है तो बच्चे को भी मसला ना हो, तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो आसान हो, तो कन्वीनियंस भी होना चाहिए इस दुकान ऐसी बनी हुई हो। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो भी रिटेलर देता है, तो वो क्रक्स है रिटेलिंग का, और ख़ास तौर पर ऐसी प्रोडक्ट जैसे कोई कपड़ा वगैरह उसमें जो है वो रिटेलर की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। पैकिंग करना, कई सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो खुली हुई आती हैं, रिटेलर उनको पैक करके देता है अच्छी तरीके से, और जिस तरह की प्रोडक्ट हो उसके हिसाब से उसकी पैकिंग हो। अक्सर ईद के सीज़न में जो स्वीट्स होती हैं मिठाइयाँ वगैरह, रिटेलर उसको बहुत अच्छी तरह से पैक करके देते हैं, तो ये भी रिटेलर की ज़िम्मेदारी होती है। डिलीवरी करना प्रोडक्ट्स की, कई प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी डिलीवरी होती है, होम डिलीवरी कस्टमर जो है वो करवाना चाहता है। वैरायटी होना, अब एक रिटेलर के पास कई सारी वैरायटी होनी चाहिए, एक टॉफ़ी भी अगर बिक रही है कई सारी टॉफियां, साबुन बिक रहे हैं कई सारे साबुन, तो वैरायटी होना वहाँ ज़रूरी है। अब है लेसन नंबर 40, कंज्यूमर बिहेवियर। सो कंज्यूमर बिहेवियर कवर करता है कि मार्केटिंग मैनेजर को क्या करना चाहिए कंज्यूमर बिहेवियर से बेनिफिट लेने के लिए, और ऑगमेंट करने के लिए उस बिहेवियर को, यानी उसमें इजाफा करना, और फिर उस बिहेवियर को कंट्रोल भी करना। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ, किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है कंज्यूमर बिहेवियर में, हाउ डू पीपल बाय, किस तरह से लोग जो है वो बाय करते हैं, व्हाट डू दे बाय और क्या वो बाय करते हैं, व्हेन डू दे बाय, कब वो बाय करते हैं, एंड व्हाई डू दे बाय, और वो क्यों बाय करते हैं, तो इन तमाम क्वेश्चंस का जो है वो आंसर फाइंड किया जाता है कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर।
और ये जो है वो सब कैटेगरी है मार्केटिंग की, मार्केटिंग की एक सब कैटेगरी है, और इसमें जो है वो तमाम एलिमेंट्स मतलब इन सब्जेक्ट्स के साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशियो साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ब्लेंड किया जाता है, ब्लेंड से मतलब यानी मिक्स किया जाता है इन सब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स को लेकर। तो इसमें जो है वो समझा जाता है कि बायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत इंडिविजुअली भी और ग्रुप वाइज भी, इंडिविजुअली अलहदा अलहदा और ग्रुप वाइज भी समझा जाता है। और इसमें जो है वो स्टडी की जाती हैं करेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की, हर यानी इंडिविजुअली तौर पे कंज्यूमर की एक करेक्टरिस्टिक्स है, हर कंज्यूमर दूसरे से अलग है। तो अब जो करेक्टरिस्टिक्स स्टडी की जाएंगी जैसे कि डेमोग्राफिक्स आ जाती हैं, साइकोग्राफिक्स आ जाती हैं और बिहेवियरल वेरिएबल्स वगैरह आ जाती हैं, कि ये तमाम चीज़ें जो असरअंदाज कर रही हैं लोगों की वांट्स को, तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो स्टडी किया जाता है समझने के लिए कि लोगों की वांट्स का इन सब चीज़ों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो साइकोग्राफी है क्या, साइकोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिफरेंसेस को स्टडी किया जाता है जो लोगों के साइकोलॉजी पे मतलब यानी कि जो लोगों की नफसियात जो मुख्तलिफ हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर, हर एक रीजन के अंदर, हर इलाके के अंदर जो लोगों की साइकोलॉजी डिफरेंट है, नफसियात डिफरेंट है, उनमें जो फ़र्क आ रहे हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में लोगों की नफसियात के अंदर, तो उस फ़र्क को स्टडी करना जो है वो साइकोग्राफी कहलाया जाता है। सो मार्केटिंग मैनेजर जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर में और इस बात में जानने में कि ज़ाहिर बात है किस तरह की प्रोडक्ट्स और प्रेजेंटेशन और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट वो लाइक करते हैं। अब एक करेक्टरिस्टिक्स हो सकता है एक जगह लाइक की जाती हो, दूसरी जगह लाइक नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल अब एक गाड़ी है जिसकी आवाज़ कम है, अब कम आवाज़ वाली गाड़ी जो है वो एक करेक्टरिस्टिक से कुछ जगहों पे लोगों को शोर पसंद नहीं है तो वहाँ पे वो गाड़ी पसंद की जाएगी। लेकिन अब एक गाड़ी जो है वो जहाँ पे लोग शोर पसंद करने वाले लोग हैं तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा आवाज़ वाली गाड़ी हो, तो वो फिर जो है वो ज़्यादा आवाज़ वाली गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट जो है वो लोग पसंद करते हैं। सो इट आल्सो ट्राइज़ टू असेस इन्फ्लुएंसेस ऑन दी कंज्यूमर फ्रॉम ग्रुप, और इस बात को भी असिस किया जाता है कि जो इन्फ्लुएंस पड़ता है कंज्यूमर के ऊपर ग्रुप से, डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं जो आसपास के जो लोग हैं कंज्यूमर के, उन ग्रुप से भी उस पर असर पड़ता है। जैसे कि फैमिली है, फैमिली का असर पड़ता है किसी भी शख्स पे, उसके दोस्तों का असर पड़ता है, रेफरेंस ग्रुप्स का असर पड़ता है, सोसाइटी का तो पड़ता ही है। अब एक शख्स जिस तरह के लोगों में बैठता है, अब एक पढ़ा लिखा शख्स भी अगर ऐसे लोगों के साथ बैठता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसका माहौल भी फिर वैसा ही बन जाता है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और एक शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं भी है वो पढ़े लिखे लोगों में जाके बैठ जाता है तो उसका माहौल भी पढ़े लिखे लोगों की तरह बन जाता है। तो इस तरह से कंज्यूमर के ऊपर भी फ़र्क पड़ रहा होता है, उसकी बाइंग पैटर्न के ऊपर भी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। सो बिहेवियर डिपेंड करता है कि एक शख्स किस ग्रुप से बिलोंग करता है। जैसे कि मैंने बताया जिस तरह के लोगों में जाके बैठता है एक शख्स और जिस तरह का उसकी फैमिली होती है, घर वाले जिस तरह के होते हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है। अगर पढ़े लिखे घर वाले होंगे तो बिहेवियर अलग होगा और अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उससे भी बिहेवियर अलग होगा। सो मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, अब कंज्यूमर बिहेवियर के जो मॉडल्स हैं उनमें से जो यहाँ मॉडल दिया हुआ वो है लेन इंट्रैक्शन मॉडल, ये हॉवर्ड एंड शीप ने दिया ये मॉडल को। अब इसमें जो है वो इनपुट है और आउटपुट का है, इनपुट को जो है वो स्टिमुलाई कहा गया है। तो इनपुट जो है वो कस्टमर रिसीव करता है अपने इन्वायरमेंट से और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सिग्निफिकेटिव होती है, सिग्निफिकेटिव का मतलब जो फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स हैं एक प्रोडक्ट की जो फिज़िकली है जिसको हम देख सकते हैं। दूसरा है सिम्बॉलिक, सिम्बॉलिक का मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट एक्चुअली रिप्रेजेंट की जा रही है जैसी वो है, जैसे साबुन है उसको दिखा दिया गया कि साबुन है। लेकिन एक है एनिमेशन करना, तो एक तरह से सिंबॉलिकली तौर पे उसको जो है वो एनिमेट करके दिखाया जा रहा है एडवर्टाइजिंग के अंदर, एनिमेशन चल रही है बकायदा कार्टून वगैरह या कुछ ऐसी एनिमेशन के तौर पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो है वो यूज़ किया जाता है साबुन को। सोशल, अब सोशल में क्या होता है कि आइडियाज़ या इमेज टू द प्रोडक्ट और सर्विस बाय सोसाइटी, जो आइडिया या इमेज जो है वो अटैच होता है प्रोडक्ट या सर्विस का सोसाइटी से, तो उसको हम कहते हैं जो है वो सोशल। सो आउटपुट जो होते हैं इसमें, अब आउटपुट जो है आर व्हाट हैपन यानी होता क्या है उसको आउटपुट कहा जाता है, जो कंज्यूमर का एक्शंस होता है उसको आउटपुट कहा जाता है। जैसे कि ऑब्जर्वेबल रिजल्ट जो होता है इनपुट स्टिमुलाई का, जो इनपुट स्टिमुलाई आ रहा है उसका जो ऑब्जर्वेबल रिजल्ट है उसको आउटपुट कहा जाता है। सो द कंज्यूमर जो है गोज थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, बहुत से प्रोसेस से कंज्यूमर गुजरता है जब वो डिसाइड करता है अपने एक्शन के बारे में। तो हॉवर्ड एंड शीप ने ग्रुप किया है इन एरियाज़ को एज अ परसेप्चुअल, परसेप्चुअल का मतलब कस्टमर का परसेप्शन बनाना,
परसेप्शन बनाना से मुराद इनके कस्टमर क्या सोचता है एक्चुअली, इसको कहा जाता है परसेप्चुअल, कस्टमर का परसेप्शन बनाना कि कस्टमर क्या सोचता है। दूसरा है लर्निंग, यानी कि लर्न क्या करता है वो, आखिर वो प्रोडक्ट जब ख़रीदने जा रहा है तो वो लर्न क्या कर रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में, दुकानदार उसको क्या बता रहे हैं, तो वो क्या लर्न कर रहा है प्रोडक्ट के बारे में, उससे भी उसको आसानी रहती है अपना फाइनल डिसीजन करने में। नाउ दी बायर डिसीजन प्रोसेस, तो बायर डिसीजन प्रोसेस जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, अंडरटेकन बाय कंज्यूमर, जो कंज्यूमर लेता है ना रिगार्ड टू अ पोटेंशियल मार्केट ट्रांजेक्शन, एक पोटेंशियल मार्केट ट्रांजेक्शन के लिए, बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर दी परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये पहले भी हो सकता है, दौरान भी हो सकता है, प्रोडक्ट या सर्विसेज की परचेज के या प्रोडक्ट सर्विसेज की परचेज के बाद भी हो सकता है, तो यानी पहले, दरमियान में, दौरान, परचेज के दौरान या फिर परचेज के बाद। और डिसीजन मेकिंग जो है एक कॉग्निटिव प्रोसेस है ऑफ सेलेक्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसको देखा भी जा सकता है, ऑफ सेलेक्टिंग कोर्स ऑफ एक्शन। अब कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि एक चीज़ को सिलेक्ट करना, कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें से एक को सिलेक्ट करना, बाकियों को रिजेक्ट कर देना। सो डिसीजन मेकिंग इज सेट टू अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। लोग पहले मालूम करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद जब वो कंक्लूड करते हैं तो फिर जाके ही वो डिसाइड करते हैं, तो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है ये। सो डिसीजन मेकिंग इज़ डन, जब छोटी से छोटी चीज़ भी इंसान ख़रीदता है तो वहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे कि टॉफ़ी वगैरह भी ख़रीद रहा है तो वहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है वो डिसीजन मेकिंग के बगैर ही टॉफ़ी ले ली जाए। सो तीन तरीके हैं एनालाइज़ करने के कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस को। पहला तो है इकोनॉमिक मॉडल, जो कि बेस करता है रैशनैलिटी के ऊपर, के एजम्पशन के ऊपर, कि रैशनल होकर जो है वो कस्टमर जो है वो ख़रीदेगा प्रोडक्ट को, वो देखेगा कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है नहीं, अपनी सैलरी को देखेगा, एक कंज्यूमर जो है वो अपनी सैलरी को देखेगा जब भी प्रोडक्ट ख़रीदेगा, ज़ाहिर बात है कि उसकी इनकम जो है उसके मुताबिक ही वो कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहेगा। तो एक तो ये इकोनॉमिक मॉडल है, दूसरा है साइकोलॉजिकल मॉडल। साइकोलॉजिकल मॉडल में क्या होता है कि साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, यानी कि वो ये देखता है प्रोडक्ट ख़रीदते वक्त कि ये प्रोडक्ट अगर मैं ख़रीद रहा हूँ तो मुझे क्या समझा जाएगा, क्या मुझे अमीर समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा, तो इसको हम कहेंगे साइकोलॉजिकल मॉडल, यानी नफ्सियाती तौर पर वो क्या सोच रहा है। और तीसरा है कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स। अब इसमें दोनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं, इकोनॉमिक भी और साइकोलॉजिकल भी, यानी कि कंज्यूमर एक तरफ अपने उसको भी देखता है, इनकम को भी देखता है, और ये भी देखता है कि उसको क्या समझा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब एक शर्ट ख़रीद रहा है कोई शख्स, तो अब वो ये देखता है कि शर्ट जो है वो मेरी रेंज में भी आती है, मेरी इनकम के मुताबिक भी सही है ये, और साथ में ये शर्ट मुझे सूट भी करती है, मैं एक प्रोफेसर हूँ तो मुझे ये शर्ट सूट करती है, तो इसको हम कहेंगे कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल की एग्जांपल। अब है लेक्चर नंबर 41, कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट टू है ये। तो मॉडल्स ऑफ बायर डिसीजन मेकिंग में जो मॉडल है वो है जनरल मॉडल। अब जनरल मॉडल में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, पहला होता है वांट रिकग्निशन, कि जो वांट है वो क्या है, वांट क्या होती है, तो आपको पता होगा पहले नीड होती है फिर वांट होती है, उसके बाद जब वांट होती है तो उसके बाद जो स्टेप है वो है सर्च ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट्स दैट कुड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द बायर, यानी कि इन्फॉर्मेशन सर्च करना प्रोडक्ट्स की जो सेटिस्फाई करे बायर्स की नीड को, बायर की नीड को पूरा कर सके, उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके। फिर आता है अल्टरनेटिव सेलेक्शन, अब च्वाइसिस होती हैं बायर के पास और उसी में से एक सिलेक्शन करना होता है, उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग लिया जाता है बाय करने के लिए प्रोडक्ट को, एक डिसीजन लिया जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट ख़रीदनी है बायर ने। उसके बाद जब प्रोडक्ट ख़रीद ली जाती है तो फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर आता है, जो प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद बिहेवियर होता है, जैसी प्रोडक्ट होगी वैसा ही पोस्ट परचेज बिहेवियर आएगा। अब आपके सामने मौजूद है AIUAPR, अब ये कोई वर्ड नहीं है, ये एब्रीविएशन है कुछ वर्ड्स की, किन किन वर्ड्स की है इनकी डिटेल एक एक करके देखते हैं। अवेयरनेस, यानी कि प्रोडक्ट को पहले अवेयर करना लोगों में, कि प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस पैदा करना कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है, उसके बाद फिर उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना उसकी खसूसियात बताकर, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट के बाद लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है प्रोडक्ट के बारे में, कि ये जो प्रोडक्ट है ये उनकी नीड्स को पूरा कर सकती है। अब अगर प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट सही तरीके से क्रिएट किया गया होगा तो अंडरस्टैंडिंग सही तरह होगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी प्रोडक्ट के बारे में, वरना अगर प्रोडक्ट के बारे में एग्जेजरेट किया गया होगा, अगर किसी मार्केटर ने, किसी एडवर्टाइजर ने जरूरत से ज़्यादा वो बताया होगा, तो अंडरस्टैंडिंग उसकी फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। उसके बाद फिर एटीट्यूड जो है वो फ्रेम्ड होना, उसका जो है प्रोडक्ट के बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आए,
नेगेटिव एटीट्यूड भी आ सकता है, कई प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड भी आ जाता है कस्टमर का। अगर सपोज एड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के एड ने परेशान कर रखा है कस्टमर को, तो ऐसे सिचुएशन में कस्टमर का एटीट्यूड नेगेटिव भी आ सकता है। तो एटीट्यूड जो वो पॉजिटिव आए प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद फिर परचेज, यानी परचेज के लिए आमादा करना, ख़रीदने के लिए कि ये खा लीजिए, इसको टेस्ट कीजिए, इसको एक बार लेके देखिए, एक बार आजमा के देखिए, तो इस तरह से कस्टमर को जो है वो परचेज़ के लिए आमादा करना, और फिर रिपीट परचेज, यानी एक बार ख़रीदना जो है वो एनफ नहीं है मार्केटिंग के अंदर। कस्टमर जो है वो एक बार ख़रीदे और उसके बाद फिर प्रोडक्ट को बार बार ख़रीदे, उसको प्रोडक्ट अच्छे लगे। नाउ द डिसीजन मेकिंग स्टाइल, तो अब डिसीजन मेकिंग स्टाइल में कॉग्निटिव एंड पर्सनल बायसेस इन डिसीजन मेकिंग, यानी किस किस तरह की बायसेस आती हैं, तरफदारी किस तरह की होती है डिसीजन लेते वक्त, कस्टमर किस तरीके से जो है वो कुछ तरफदारी दिखाता है। पहली चीज़ तो एक सिलेक्टिव सर्च फॉर एविडेंस, वो जो सर्च होती है उसकी वो काफ़ी एक सिलेक्टिव किस्म की होती है, गिने चुने लोगों से वो पूछ लेता है, वो भी करीब के दोस्तों वगैरह से कि मैं ये ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एसी ले रहा है या रेफ्रिजरेटर ले रहा है, तो करीब के दोस्तों से पूछ लिया कि मैं ये कौन सा लूँ। अब वो ऐसे लोग होते हैं, जारी बात है उनको टेक्निकल नॉलेज का नहीं पता, आसपास के करीबी लोग नॉर्मली टेक्निकल नॉलेज नहीं जानते, तो अब जो है ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि सिलेक्टिव किस्म की सर्च कर ली, किसी टेक्निकल किस्म के किसी एक्सपर्ट से नहीं पूछा, किसी इंजीनियर से नहीं पूछा एसी वगैरह के बारे में या रेफ्रिजरेटर के बारे में। दूसरा है कि प्रीमेचर टर्मिनेशन ऑफ सर्च फॉर एविडेंस, यानी पहले ही जो है वो सर्च को रोक दिया, यानी कि जो पहला अल्टरनेटिव मिला, जो पहला ऑप्शन मिला कि ये चीज़ लेना बेहतर है, जो शुरू में सोचा कि वही लेनी है, उससे आगे सोचा नहीं, आगे अच्छी ऑप्शन मिल सकती थी, अगर और आगे सर्च की जाती तो और अच्छा ऑप्शन मिल सकता था कि इस कंपनी का लेना बेटर है, लेकिन जो शुरू में दोस्तों ने कह दिया कि इस कंपनी का लेना बेटर है, तो उसी को सही समझ लिया और सर्च जो है वो रोक दी वहीं पर। कन्वर्जेटिज्म एंड इनिशिया, कुछ लोगों में कन्वर्जेटिव किस्म के लोग होते हैं, कंजर्वेटिव किस्म के, वो जो है चेंज होना नहीं चाहते, जो चीज़ पहले से चलती आ रही है वो बोलते हैं कि वैसे ही हमने करनी है, अगर जो चीज़ हमने जिस कंपनी की पहले ली थी दोबारा हम उसी कंपनी के लेंगे या फिर वही उस तरह की चीज़ लेंगे हम, तो इस तरह ये भी होता है लोगों की सोच के अंदर। एक्सपीरियंशियल लिमिटेशन भी होती है, लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, वो भी एक लिमिटेशन है। सिलेक्टिव परसेप्शन होता है, कुछ लोगों के पास एक सिलेक्टिव किस्म का परसेप्शन बना लेते हैं, किसी ने कह दिया किसी चीज़ के बारे में तो उसको बगैर किसी प्रूफ के सही मान लेते हैं, जैसे किसी ने कह दिया कि ब्रेड खाना अच्छा नहीं है, तो अब बगैर किसी एविडेंस के उसको सही मान लिया कि जो है वो ब्रेड खाना अच्छा नहीं है, तो इसको सिलेक्टिव परसेप्शन कहा जाता है। विशफुल थिंकिंग या ऑप्टिमिज्म होना, यानी कि अगर ये हो गया तो इससे ये हो जाएगा, वो होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करना कि अगर हमने ये किया तो इससे बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा जो है कोई बड़ी चीज़ हो जाएगी, तो इस किस्म की चीज़ें जो है विशफुल थिंकिंग या ऑप्टिमिज्म आती है। और रेपिटेशन बायस, एक चीज़ को इतना बार बार कहा कि वो सच लगती है, झूठ को बार बार इतना बोला कि वो सच लगने लग जाता है। एंकरिंग करना, यानी कि डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इनिशियल इन्फॉर्मेशन से, यानी जब शुरू में इन्फॉर्मेशन मिली उसी की बुनियाद पे बाद में मिलने वाली इन्फॉर्मेशन को भी जो है वो व्यू पॉइंट बना लिया जाता है, कि जो शुरू में इन्फॉर्मेशन मिली उसी को सामने रख के बाद की इन्फॉर्मेशन को सोचा जाता है, उसको एंकरिंग कहा जाता है। और ग्रुप डिसीजन, अब ग्रुप डिसीजन में क्या होता है कि पीयर डिसीजन जो है वो कन्फर्म करता है ओपिनियन हेल्ड बाय द ग्रुप, यानी क्या जो फैमिली है या दोस्त हैं वो जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसी बुनियाद पे जो है वो डिसीजन जो है वो लिए जा रहे होते हैं कि ये चीज़ तो मैं इसलिए पसंद कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त करते हैं या मेरी फैमिली करती है। अब है लेसन नंबर 42, कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट 3 है ये। सो मार्केटिंग में क्या होता है, डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं जब कोई एक नई प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई जाती है। मार्केटर्स जो है वो पूरी मार्केट को मुख्तलिफ हिस्सों में, सेगमेंट्स में बांट लेते हैं ताकि अपना फोकस सिर्फ उस सेगमेंट की तरफ कर सकें जिसको वो टारगेट कर रहे होते हैं। तो सेगमेंट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और पोजीशनिंग की जाती है प्रोडक्ट की कंज्यूमर के माइंड के अंदर। मैककार्थी ने 4 पीस दिए हैं, 4 पीस तो आपको पता होगा, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, तो ये मैककार्थी ने दिए हैं और मैककार्थी के मुताबिक इनको जो है अच्छी तरह से यूज़ किया जाए और रिपीटेडली यूज़ किया जाए ताकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया जा सके प्रोडक्ट फीचर का और प्राइस भी उसकी राइट हो, सही प्राइस हो, और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए प्रेफर्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से और कंबाइन किया जाए एक अपीलिंग किस्म की प्रोमोशन टेक्निक्स के साथ, अपीलिंग प्रोमोशन के साथ।
सो मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, अब मेस्लो ने एक हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी दी, एक थ्योरी जो कि ह्यूमन मोटिवेशन की थ्योरी है, इसमें पांच लेवल्स हैं, ये भी आपने थ्योरी पढ़ी होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहली जो नीड थी वो थी फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड्स, जो इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात हैं, दूसरा सेफ्टी का, फिर लव बिलोंगिंग नीड, फिर स्टेटस एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या एक्चुअलाइजेशन। तो जो पहली नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। अब इसमें किस तरह की नीड्स आती हैं, जो बॉडीली नीड्स होती हैं इंसान की, जो जिस्मानी ज़रूरियात होती हैं, उसमें नीड टू ब्रेथ यानी कि सांस लेने की ज़रूरत, नीड टू ईट खाना खाने की, नीड टू डिस्पोज ऑफ बॉडीली वेस्टेस यानी कि वाशरूम जाने की ज़रूरत, नीड टू फॉर स्लीप सोने की, नीड टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर यानी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो सेफ्टी नीड्स में कई सारी नीड्स आ जाती हैं जो सेफ्टी से रिलेटेड होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी नीड्स आई थी, सिक्योरिटी है एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की से सिक्योरिटी होना, सेफ्टी होना, ये भी सेफ्टी नीड्स में आ जाती है। इनकम की और रिसोर्सेज की सेफ्टी होना, सिक्योरिटी होना, फिज़िकल सिक्योरिटी होना, फिज़िकली तौर पर जिस्मानी कोई वायलेंस नहीं हो, कोई एग्रीगेशन वगैरह नहीं हो, कोई इंजरी वगैरह नहीं हो। उसके अलावा मॉरल एंड फिजियोलॉजिकल सिक्योरिटी हो, मॉरल किस्म की, जो अब जैसे कोई इमोरलिटी नहीं हो, इमोरल किस्म की चीज़ें ना हो। अब कोई रिलीजन को फॉलो करता है, लोग जो रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं हो जो रिलीजन के ख़िलाफ़ हों, तो ये मॉरल एंड फिजियोलॉजिकल सिक्योरिटी में आ जाती है। फैमिलियल सिक्योरिटी हो यानी फैमिली से रिलेटेड, और हेल्थ की सिक्योरिटी हो। लव एंड बिलोंगिंग नीड तीसरी जो नीड आती है। अब फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स के बाद ये तीसरी नीड आ जाती है, जिसमें इमोशनल बेस्ड रिलेशनशिप होता है, जैसे कि फ्रेंडशिप, दोस्ती वगैरह होना और फैमिली का होना, तो ये इसमें आ जाता है। नाउ द स्टेटस या एस्टीम नीड्स। अब ये एस्टीम नीड्स या स्टेटस जो है, ये रिस्पेक्ट की बात आती है। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक अमीर शख्स होगा तो ही उसकी रिस्पेक्ट होगी। रिस्पेक्ट हर किसी की होती है, मेल फीमेल दोनों की होती है। कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है, उसकी भी एक रिस्पेक्ट है। कोई ओल्ड है, बूढ़ा है, उसकी भी एक रिस्पेक्ट है। तो रिस्पेक्ट जो है वो हर तरह के लोगों की एक रिस्पेक्ट होती है। और ये उसी के आगे एक बीइंग नीड्स दिया हुआ है यहाँ पे, थ्रो द डेफिशिएंसी नीड्स मे बी सीन एज अ बेसिक एंड कैन बी मेड एंड न्यूट्रलाइज। जो डेफिशिएंसी नीड होती हैं उनको बेसिक के तौर पे देखा जाता है, बुनियादी, और कैन बी मीट, उनको पूरा किया जा सकता है, न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो आखिरी जो इसका लेवल है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट होती है ह्यूमन की, जब सारी नीड्स पूरी हो गई तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि डेवलपमेंट हो रही है ह्यूमन की, डेवलपमेंट की हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो अपने आप को ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। अब है लेक्चर नंबर 43, शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस क्या टूल है, ये तो आपने पढ़ा होगा, एक प्लानिंग टूल है जिसके अंदर इवेल्यूएट किया जाता है स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को और थ्रेट को, किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए या बिजनेस वेंचर के लिए। तो ये टेक्निक जो दी गई है, ये दी है अल्बर्ट हम्फ्री ने दी है, ये टेक्निक जो दी है। तो पहला स्टेप शॉर्ट एनालिसिस के अंदर ये होता है कि इस बात की डेफिनेशन देना कि हमारे डिज़ायर्ड एंड स्टेट क्या है या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ये पहला स्टेप होता है। और पहला स्टेप को केयरफुली तरीके से हमें करना होता है, क्योंकि अगर हम पहले स्टेप में फेल हो जाते हैं तो फिर उससे क्या होगा कि हमारे रिसोर्सेज ज़ाया हो जाएंगे और फेलियर होगा एंटरप्राइज का। तो अब स्ट्रेंथ क्या चीज़ें होती हैं, स्ट्रेंथ से मुराद ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एट्रीब्यूट्स जो हेल्पफुल होते हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। वीकनेस भी एट्रीब्यूट्स होते हैं लेकिन ये हार्मफुल होते हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, या एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं जो हेल्पफुल होती हैं अचीवमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव्स को। और थ्रेट्स जो है, ये भी एक्सटर्नल कंडीशन होती हैं लेकिन हार्मफुल होती हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब ये कुछ चार्ट की मदद से समझते हैं। तो स्ट्रेंथ जो है वो इंटरनल है और हेल्पफुल है अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को। वीकनेस भी इंटरनल है लेकिन ये हार्मफुल है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एक्सटर्नल है लेकिन ये हेल्पफुल है अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को। और थ्रेट्स जो है वो एक्सटर्नल है और हार्मफुल है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो पहला डिसीजन जो है, फर्स्ट द डिसीजन मेकर,
सॉरी द पहला पहले जो है डिसीजन मेकर को डिटरमाइन करना होता है कि ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अटेनेबल हैं या नहीं शॉर्ट के व्यू पॉइंट के मुताबिक, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स हम अटेन करना चाह रहे हैं हम वो अटेन कर सकते भी हैं नहीं, क्या हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है या नहीं कि हम उस ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सकते हैं या नहीं, हमारी वीकनेस तो हमें रोकेगी नहीं और अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं या नहीं, और कोई ऐसा थ्रेट तो नहीं है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अटेन होने से रोक सके। तो शॉर्ट को सामने रखते हुए हमने ऑब्जेक्टिव्स को देखना है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं या नहीं, तो सबसे पहले इस चीज़ को देखना है। और चार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हैं हाउ कैन वी यूज़ ईच स्ट्रेंथ, हर एक स्ट्रेंथ को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हर एक वीकनेस को हम रोक सकते हैं, किस तरह हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हर एक अपॉर्चुनिटी को, और किस तरह हम डिफेंड कर सकते हैं हर एक थ्रेट का, किस तरह डिफेंड से हम मुकाबला कर सकते हैं हर एक थ्रेट का। तो SWOT टीम में तमाम किस्म के लोग शामिल होते हैं, प्रोफेशनल, अकाउंटेंट, सेल पर्सन, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, इंजीनियर वगैरह। ये नहीं होता कि सिर्फ एक जो ऑनर है या एंटरप्रेन्योर है वो शामिल होगा। अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट भी है, जब हम डीपली जाते हैं तो होता ये है कि हम ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट भी कर जाते हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस होती है, और ये जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं इट्स स्ट्रेटजीज एंड इट्स पोजिशन इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, यानी कि कॉम्पिटिटर्स के रिलेशन में उसकी पोजिशन, स्ट्रेटजीज और पोजिशन देखना कॉम्पिटिशन के कॉम्पिटिटर्स के रिलेशन में। एक्सटर्नल फैक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट प्रेजेंटेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कॉम्पिटिशन। अब ये जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है अपॉर्चुनिटीज थ्रेट, ये प्रेजेंटेड होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जो बाहर का एनवायरनमेंट और कॉम्पिटिशन है। सो इंटरनल फैक्टर्स जो है वो या तो स्ट्रेंथ या वीकनेस है, ये डिपेंड करता है कि उनका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की पोजिशन पर क्या पड़ रहा है, क्या वो ख़तरा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या वो एक फ़ायदेमंद है। So, to offset the difficulty of evaluating ahead of time the importance of each proposed SWOT. Sure. Now the assumptions. अच्छा assumption में आपको make few as possible, जितने कम assumption हो सकें उतना आपने लेने हैं, और careful रहना है explain करते वक्त, explain those you do make. अब स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें स्ट्रेंथ भी हो सकती हैं और वीकनेस भी हो सकती हैं। तो रिसोर्सेज में फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज और लोकेशन रिसोर्सेज, ये तमाम ये चीज़ें जो है वो स्ट्रेंथ भी हो सकती हैं वीकनेस भी। कस्टमर सर्विस स्ट्रेंथ भी हो सकती है वीकनेस भी। एफिशिएंसी, कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी, स्टाफ, मैनेजमेंट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड आवर्स ऑफ ऑपरेशन, आफ्टर सेल्स सर्विस एंड सेल्स प्रमोशन टेक्निक, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी टाइम, डाइवर्सिफाइड फील्ड, प्रोडक्ट लाइन एंड मल्टीपल सर्विसेज ऑफर, ये तमाम चीज़ें जो है वो इंटरनल थी जो कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में आ जाती हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेड यानी एक्सटर्नल जो हैं उसमें है कॉम्पिटिटर्स एक्शन, इकोनॉमिक कंडीशन, इंटरेस्ट रेट्स, इंक्रीजिंग मार्केट सेचुरेशन, चेंजेस इन लॉज एंड रेगुलेशन। अब एरर्स हैं कुछ जो अवॉइड करने हैं, उन एरर्स से बचना ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़ाहरी बात है। तो पहला ये कि कंडक्टिंग जब एक SWOT एनालिसिस किया जाएगा तो बिफोर डिफाइनिंग एंड एग्रिंग अपॉन एन ऑब्जेक्टिव, तो जो SWOT एनालिसिस किया जाएगा बिफोर डिफाइनिंग एंड एग्रिंग अपॉन ऑब्जेक्टिव्स, एक डिफाइन करने से पहले और एक ऑब्जेक्टिव पे एग्री होने से पहले, अब मूवमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन विल रिवील एन इंडिस्प्यूजेबल थ्रेट। सो SWOT कैन नॉट एग्जिस्ट इन द एब्स्ट्रैक्ट, दे कैन एग्जिस्ट ओनली विद रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्टिव। तो SWOT जो है वो एब्स्ट्रैक्ट में जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये एग्जिस्ट कर सकता है रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ। अगर डिज़ायर एंड यानी कि एक ऑब्जेक्टिव जो है वो ओपनली डिफाइंड नहीं है और एग्री नहीं है, जो पार्टिसिपेंट है वो उस पर वो एग्री नहीं हो रहे, तो हर पार्टिसिपेंट का डिफरेंट स्टेट एंड इन माइंड होगा और आउटकम उससे कन्फ्यूजन होगी। दूसरा है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कन्फ्यूज़ हो सकती हैं स्ट्रेंथ के साथ, तो उनको आपस में सेपरेट रखें, चांसेस हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कन्फ्यूज़ हो जाएं। और अनदर एरर इज़ टू कन्फ्यूज़ SWOT विद पॉसिबल स्ट्रेटजीज़, SWOT जो है वो पॉसिबल स्ट्रेटजीज़ के साथ कन्फ्यूज़ भी हो सकता है, और दिस एरर इज़ स्पेशली मेड स्पेशली विद रेफरेंस टू अपॉर्चुनिटीज़। सो अब इस एरर को अवॉइड करने के लिए
useful to think of opportunities as auspicious condition. It may also be useful to keep in mind that SWOT are descriptions of condition, possible strategies, define actions. अब है lecture number 44 market research. ये इसका पहला हिस्सा है. lecture number 45 में इसका दूसरा हिस्सा आएगा. तो research क्या है? Research के अंदर जो हमसे पहले लोगों ने already चीज़ें की होती हैं, हम उन चीज़ों को सीखते हैं और जो मिस्टेक उन्होंने कमिट की होती है हम वो मिस्टेक दोबारा नहीं करते. तो इसीलिए हम रिसर्च करते हैं. रिसर्च कई तरह की होती हैं, जैसे मेडिकल रिसर्च से लेकर लिटरेरी रिसर्च तक. लेकिन इस सब्जेक्ट में ज़ाहिर बात है मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, तो इसमें मार्केटिंग रिसर्च है जो कि कंज्यूमर रिसर्च भी कहलाती है. और ये बिज़नेस रिसर्च की ही एक फॉर्म है जो कि एक अप्लाइड सोशियोलॉजी की फॉर्म है. और इसमें कंसंट्रेट की जाती हैं बिहेवियर को समझने के लिए. जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका बिहेवियर समझना, उनकी विम्स समझना, उनके प्रेफरेंसेस को. इसके अलावा मार्केट रिसर्च के अलावा और भी दूसरी तरह की बिज़नेस रिसर्च होती हैं. और अगर हम ब्रॉडर उसमें देखें मार्केट रिसर्च को, तो एक तरफ जहां हम कस्टमर का जो बिहेवियर है उसके मुताबिक प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट रेगुलेशन और लॉज को भी देखना होता है कि एक प्रोडक्ट ऐसी जिसकी डिमांड आए है, लेकिन अब अगर वो प्रोडक्ट ही बैन है तो ऐसे प्रोडक्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो जो दूसरी तरह की रिसर्च होती हैं बिज़नेस रिसर्च, वो कौन कौन सी होती है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग, यानी कि एनवायरमेंट जो है उसको स्कैन के करना. दूसरी है प्रोडक्ट रिसर्च करना, प्रोडक्ट पर रिसर्च करना, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू आइडियाज़ वगैरह लाना. नाउ द टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च. अब जो मार्केटिंग रिसर्च है वो किस तरह की होती हैं? तो पहली है टेस्ट मार्केटिंग, टेस्ट करना. कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, यानी जो कॉन्सेप्ट आया है, कोई भी एक नई तरह का कॉन्सेप्ट आया है उसको टेस्ट किया जाए. अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी दौर में फ़ोन्स नए आए थे, मोबाइल फ़ोन्स, तो उनको टेस्ट किया गया कि ये कॉन्सेप्ट कैसा है. तो इस तरह मिस्ट्री शॉपिंग, ये भी एक तरह की रिसर्च है. दूसरे स्टोर्स में जाना, उनसे पूछना कि आपके पास ये चीज़ है नहीं है, डिफरेंट वैराइटीज़ के बारे में उनसे पूछना. स्टोर ऑडिट करना, अपनी स्टोर से मुराद दुकान वगैरह का ऑडिट करना. कई दुकानें ऐसी देखी होंगी आपने जो खुलती हैं सिर्फ जैसे दूध दही की दुकानें, लेकिन अब बाद में वहाँ कई सारी और चीज़ें बिकने लग जाती हैं, जैसे बिस्किट्स वगैरह भी. डैंडी डिमांड, डिमांड को देखना. एंड दी कमर्शियल आई ट्रैकिंग, यानी कि सिर्फ ऑब्जर्व करना, कहना नहीं बल्कि कुछ सिर्फ ऑब्जर्व करना. नाउ द सेल्स फॉरकास्टिंग एडवर्टाइजिंग, इसमें क्या एडवर्टाइजिंग आती है. और कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्टडीज, यानी कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उस पर स्टडी करना, कस्टमर कितना सेटिस्फाई है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो चैनल मेंबर हैं उनको देखना. प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा है या कम है, खिंचाव ज़्यादा है या कम है. ये इकोनॉमिक की टर्म है, इसका मतलब ये कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो जिनकी थोड़ी सी भी प्राइस चेंज कर दी जाए तो डिमांड गिर जाती है, जबकि कुछ की ऐसा नहीं होता. इसके अलावा सेगमेंटेशन रिसर्च है, कौन सा सेगमेंट जो है वो बेटर है टारगेट करने के लिए. कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस रिसर्च है, जो कंज्यूमर डिसीजन लेता है उस प्रोसेस की रिसर्च करना. पोजीशनिंग रिसर्च, कि आप मार्केट में कहाँ खड़े हैं, आपकी पोजीशन कहाँ है मार्केट में. ब्रांड नेम टेस्टिंग, ब्रांड नेम जो है अब उसकी टेस्ट करना, उसको टेस्ट करना कि ब्रांड नेम कैसा है. ब्रांड इक्विटी, वैल्यू क्या है ब्रांड की. उसके अलावा एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन रिसर्च, और जो एडवर्टाइजिंग की जा रही है प्रमोशन, अब उसका क्या असर हो रहा है उसकी रिसर्च की जाए. तो जितनी भी मार्केटिंग रिसर्च होती है उसको क्लासिफाई किया जा सकता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च या प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च के तौर पे, कि उन रिसर्च से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है या सॉल्व होती है. और जाहिर बात है मार्केट रिसर्च को एक्सप्लोरेटरी भी होनी चाहिए और कंक्लूसिव भी होनी चाहिए, यानी कि ये कुछ एक्सप्लोर करें. और साथ में ऐसा नहीं है कि इस रिसर्च को ऐसे ही करके छोड़ दिया जाए, बल्कि इससे कोई कंक्लूसिव रिजल्ट निकाला जाए, कोई कंक्लूजन इसका निकाला जाए. अब है लेक्चर नंबर 45 जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट लेक्चर है और इस पूरे कोर्स का भी लास्ट लेक्चर है, और इसमें मार्केट रिसर्च का दूसरा हिस्सा है. तो अब मार्केट रिसर्च में क्वालिटेटिव रिसर्च होती है और क्वांटिटेटिव होती है. क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है ये ऐसी टेक्निक होती है जो यूज़ होती है मार्केटिंग के अंदर भी यूज़ होती है और सोशल साइंसेस के अंदर भी होती है. और इसमें जो डेटा लिया जाता है रिस्पोंडेंट से, यानी उन लोगों से जिन पर रिसर्च की जाती है, तो वो बहुत कम लोग होते हैं. जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं. और ये टेक्निक जो होती है एक इनएक्सपेंसिव टेक्निक होती है, ये ज़्यादा महंगी नहीं होती और ये फास्ट भी होती है, क्योंकि नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स जो हैं जिनसे हम सवाल लेना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो वो कम होते हैं इस वजह से.
ज़्यादातर जो क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं वो यूज़ करते हैं डायरेक्ट अप्रोच जो है वो यूज़ की जाती है। सो मेन टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च जो हैं वो कौन सी हैं, डेप्थ इंटरव्यूज़ हैं, यानी इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं और ये इंटरव्यू जो है वो 30 से 60 मिनट्स के होते हैं। और ज़ाहिर बात है इसमें पर्सनल ओपिनियंस, बिलीफ्स और वैल्यूज़ वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो इससे पता चलती हैं। और वेरी रिच डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ये, काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है, फ्लेक्सिबल होता है और कई सारे हिडन इश्यूज जो अनकवर हो जाते हैं। और ये लूजली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, यानी कि ऐसा होता है कि कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं जो पहले से सोचे हुए नहीं हों, तो ऐसे क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं। और इसको कंज्यूमिंग की जा सकती है इसकी टाइम पे। और रिस्पॉन्सेज जो है वो कैन बी डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट, यानी कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको इंटरप्रेट करना मुश्किल हो सकता है। और इसके लिए एक स्किल्ड इंटरव्यूअर की ज़रूरत होती है, जो इंटरव्यू लेने वाला है वो स्किल्ड पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी जाके इंटरव्यू ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। और कोई सोशल प्रेशर जो है वो रिस्पॉन्डेंट पर नहीं होना चाहिए, यानी उसको कोई थ्रेट ना दिया जा रहा हो कि अगर उसने इस बात का जवाब नहीं दिया, उसकी चॉइस होती है कि वो जवाब ना दे कई चीज़ों का। और स्टार्ट किया जाता है इसको एक जनरल क्वेश्चंस के साथ, इसको जो है वो स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, इसमें लेडरिंग भी होता है। लेडरिंग जो है मिसाल अगर ली जाए तो लेडरिंग असल में है क्या, ये लेडर सम्राट सीढ़ी होता है, तो सीढ़ी की तरह इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आगे आगे पहुंचता चला जाता है इंसान। अब प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स से यूज़र की करेक्टरिस्टिक्स तक बात पहुँच जाती है इसमें लेडरिंग टेक्निक के अंदर। और हिडन इशू क्वेश्चनिंग की जाती है, क्या है यानी जो एक डीप किस्म की जो एक तरह से व्यूज़ हैं और कंसर्न हैं उसके बारे में पूछा जाता है हिडन इशू क्वेश्चनिंग में। ये एक टेक्निक यूज़ की जाती है। सिंबॉलिक एनालिसिस किया जाता है, सिंबल्स दिखाए जाते हैं एक रिस्पोंडेंट को। और सिंबल जो होते हैं वो यूनिवर्सल सिंबल्स होते हैं, यानी हर कंट्री में उनको जिस कंट्री के भी लोगों को दिखाएंगे उसका एक ही मकसद होगा, एक ही मतलब निकलेगा, जो मतलब निकलता है। एक टेक्निक है फोकस ग्रुप की टेक्निक। अब फोकस ग्रुप में क्या होता है कि कुछ कम लोग होते हैं, नॉर्म यूजुअली जो होते हैं 8 से 10 मेंबर यहाँ पे जो दिया गया है, तो उन लोगों को बुला लिया जाता है। और जितने भी लोग होते हैं, ज़ाहिर बात है डिफरेंट प्रोफेशन से उनका बैकग्राउंड है, मेल फीमेल दोनों होते हैं, और उनको बुला के जो है वो उनसे जो है वो क्वेश्चंस वगैरह किए जाते हैं। अब ये जो है तकरीबन 1 से 2 घंटे होता है, रिकॉर्डिंग भी इसकी हो जाती है। और रूम यूजुअली हैज़ अ लार्ज विंडो विद वन आई ग्लास, पार्टिसिपेंट कैन नॉट सी आउट बट द रिसर्चर कैन सी इन, इनएक्सपेंसिव एंड फास्ट। अब ये जो टेक्निक है ये इनएक्सपेंसिव भी है और फास्ट भी होती है। और अगर इनलाइन ऑनलाइन फोकस ग्रुप होगा तो उसमें ऑनलाइन भी हो सकता है, उसमें कंप्यूटर और इंटरनेट वगैरह की टेक्नोलॉजी भी होती है। और रिस्पोंडेंट फील आ ग्रुप प्रेशर टू कंफर्म, एंड ग्रुप डायनामिक इज़ यूजफुल इन डेवलपिंग न्यू स्ट्रीम फॉर टॉर्ड्स एंड कवरिंग एन इशू थॉरली। अच्छा, अब क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव तो आपकी हो गई है जिसमें इंटरव्यू और फोकस ग्रुप था, तो क्वांटिटेटिव जो टेक्निक होती है इसके अंदर कई सारे लोगों से जो है वो सर्वे भी किया जा सकता है, इसमें ओपिनियन पोल भी हो सकता है और क्वेश्चनेयर भी दिया जाता है। क्वेश्चनेयर में जो है वो कई सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं जिसका उन्हें येस या नो में जवाब देना होता है, और नो ओपिनियन का भी एक खाना अगर हो सकता है तो वो भी बेटर रहता है। तो इस तरीके से जो है वो लोगों की ओपिनियन जो है वो जानी जाती है। ये था आज का लेसन जिसमें आपको MKT 501 मार्केटिंग मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 34 से लेकर 45 तक करवाए गए। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।